أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن إن أكثرهم لا يعلمون واسبروا لحكم بك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم

और हमारा आपका ये साथ इनशा इन आखिरी रोज़े तक रहेगा इसी तरह से और हम यही कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ टॉपिक आप लोगों के सामने लाते रहें कुछ आम जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल जो आप जानना चाहते हैं या कुछ सवाल जो आपके जहनों में घूम रहे होते हैं उन सवाल को हम आपके सामने लाते रहें बहुत सारे सवाल हमें थ्रू इंस्टाग्राम यूट्यूब मुझ तक पहुँचते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वो सवाल यहाँ पे हमारे जो कराम हैं उनसे पूछे जाएं और उसके जवाब जो हैं वो भी हम तक पहुँचते रहें आज का भी जो हमारा मौजू है आ, बड़ा ख़ास है बहुत ख़ास बहुत अहम मौजू है बिकॉज़ वो शुरुआत है और वो शुरुआत ऐसी है कि जो सारी शिकायतें हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो उसी मौजू से जुड़ी हैं जी हाँ बच्चों की परवरिश औलाद की परवरिश ये इतना इम्पॉटेंट सब्जेक्ट है जिसको शायद हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कभी कभी उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन पे हम लेके चलते हैं जैसे अगर हम साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो कहते हैं जी आप बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है उससे बच्चे को जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं हर चीज़ के ऊपर आप बच्चे को क्रिटिसिज्म के बीच में डाल देते हैं कि ये इस तरह से तुम कर रहे हो ये सही नहीं है ये इस तरह से कर रहे हो ये नहीं है फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करते हैं बच्चों का आ, दूसरे बच्चों के साथ उसके कज़न्स के साथ उसके फ्रेंड्स के साथ आ, वो चीज़ जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा अपना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कम करती है वो चीज़ फिर उसके साथ साथ बच्चों के ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चों को जिस तरह से मारा जाता है बच्चों को जिस तरह छोटी छोटी बात पे डांटा जाता है वो बच्चों का कॉन्फिडेंस तो क्या एक ऐसा तरीक़ार है जिसमें हम बच्चों को अपनी औलाद की परवरिश जो है वो भरपूर तरीके से भी कर सकें बिकॉज़ देखें बच्चे सीखते किससे हैं सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं बेटी हमेशा अपनी माँ को फॉलो करती है आ, बेटे हमेशा अपने बाप को फॉलो करते हैं बहुत कम बेटियाँ होती हैं जो अपने बाप को फॉलो कर रही होती हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में वो अपनी माँ को ही फॉलो करती है उसको उसकी माँ जो है वो उसका हीरो होती है और बेटे का हीरो उसका बाप होता है इसीलिए मैं अक्सर ये शेयर कर चुका हूँ बात कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मेरे अब्बा शेफ कब करते हैं बहुत अरसे के बाद आ, मुझे जाके पता चला कि वो शेव कब करते हैं बिकॉज़ मैं बहुत बड़ा हो चुका था तब तक तो वो बच्चे से रेज़र तक को जो है वो मुझसे वो छुपाया करते थे कि अगर मैं उनको करते हुए देखूंगा तो मैं जाहिर सी बात है उस रेज़र का इस्तेमाल मैं भी करने की कोशिश करूँगा जब वो मेरे दस्तरस में आएगा तो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं औलाद को पर चलें आज के इस मौजू पे जब हम आगे बढ़ेंगे अपने कराम से पूछेंगे उससे पहले एक नात रसूल मकबूल रिजवान घुमन साहब से सुनेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ेगा आइए रिजवान घुमन साहब से नात रसूल मकबूल सुनते हैं बसम रह्म। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम आँखों से नाबीना है और कलाम लिखते हैं क्या खूबसूरत कलाम है अल्लाह खुश रिजवान गुमन माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ हमारे जो मुफ्ती साहिबान हैं वो यहाँ आ चुके हैं लेकिन हम इस वक्त बढ़ेंगे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की तरफ अम्बिया के बोल हैं और चल के सुनते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सलाम अला रसूल मज्ज नाजरन रमज़ान में बॉल हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का खसूस सेगमेंट अम्बिया के बॉल कल हमारी गुफ्तु यहाँ तक पहुँची थी कि हजरत सैदना आदम की तख्लीक हुई और जनाब सैदना आदम सलाम अल्लाह ताली के पहले नबी हैं आज हम आगे गुफ्तु करते हैं कि अल्लाह वादा ला शरीक ने हज़रत आदम आम की तख्लीक के बाद मलाइका से हुक्म दिया मलाइका से फ़रमाया कि ए फरिश्तो मुझे अशिया के नाम बताओ तो फरिश्ते फ़रिश्तज़ करने लगे या अल्ला तू ने तो हमें जितना इल्म दिया है हम उतना ही जानते हैं बाकी कुल अशिया का इल्म तो हमारे पास नहीं है अल्लाह वादा उल्ला शरीक ने हज़रत आदम आ हुक्म दिया ए आदम अबाप बताइए इनको असमाय अशिया जनाब आदम सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम आपने बताए तो अब फरिश्तों ने जनाब हज़रत आदम सलाम के आगे अपना सर सजदे में डाल दिया अल्लाह अल्लाहद शरीक ने हज़रत आदम सलाम की बाई पसली से आपकी जोजा हजरत सैद हव्वा सलाम आल की तख्लीक फरमाई हज़रत सैद हव्वा की जब तख्लीक हुई तो उन्हें देखकर हज़रत आदम के कल्ब अतर में उनकी तरफ़ मैलान पैदा हुआ तो बारगा इज्जत की तरफ से हुक्म आया कि ए आदम ये हवा तेरे लिए उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक कि तू इसका महर अदा ना करे निकाह ना हो जाए अर्ज़ की मालिक के अर्ज़ समा इनका महर क्या है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इनका यह है कि फसल आला हबीबी मोहम्मद इस पर तमाम के ओलामा मुतफ़ हैं कि जनाब हज़रत आदम का माहर हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु सल्ला वम पर दरुदो सलाम पढ़ना मुकर हुआ तादाद में इख्लाफ है तीन दफ़ा नौ दफ़ा तेरह दफ़ा अठारह दफ़ा बहर हाल जनाब आदम का निका हो रहा है तो उस वक्त भी तजकार हमारे आका अलैहि साल वसमा के जारी और सारी हैं जनाब सैदन आदम और उनकी जोजा हज़रत होवा को अल्लाह ने जन्नत मकाम बनाया यानी ये जन्नत में है और अल्लाह तला ने फरमाया कि आदम आदमा ये जन्नत है ये तुम दोनों का ठिकाना है यहीं पर रहो खाओ पियो लेकिन वला तक रवा हादि शजर तफ़त को ना तुम्हारे लिए एक पाबंदी है जहाँ से जो दिल करे तुम खाओ पियो लेकिन ये एक शजरा है, ममनूा है एक दरख्त है इसके फल के करीब मत जाइयो, अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा चुनाचे क़ुरान कहता है कि फ़ाज़ल लाशान शैतान अपने साजिश के ज़रिए से इनके पास पहुँचा और इनको फिसलाने की तदबीर की और उसने कसम खाई हज़रत आदम सलाम की ख़िदमत में और कसम खाकर कहने लगा कि अगर आप इस फल को खा लेंगे तो आप अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे आपके इकबाल में और बुलंदी आ जाएगी जनाब आदम सलाम आप नबी हैं और नबियों की ये तबीयत मुबारक होती है कि उसमें दूसरों पर एतमाद करना ये एक शफकत और नरमी पाई जाती है हज़रत आदम सलाम ने शैतान की उस कसम पर यकीन किया और उस फल को सईदा हव्वा और हज़रत आदम ने जब खाया तो अल्लाह शरीक की तरफ से हुक्म हो गया कि ए आदमो हव्वा मैंने तुम्हें मना किया था तुमने फिर वही काम किया लिहाजा अब तुमने यहाँ जन्नत में नहीं रहना तुमने ज़मीन पर उतरना है अब यहाँ एक बात जहन में रखें कि अल्लाह के नबियों से गुनाह नहीं होते और अल्लाह के नबियों की पकड़ भी नहीं होती ये नबी से जो कुछ हुआ ये इम्तिहान था हजरत आदम का और ये जल्ला थी हज़रत आदम की इसको हम ना ख़ता कहेंगे गुनाह कहेंगे ये नहीं कहेंगे और अगर कहीं कुरान और हदीस में हम बियालम के लिए यह लफ्ज़ ख़ता वगैरह आ जाएगा तो हम सिर्फ उसकी तिलावत कुरान में करेंगे हदीस में वो लफ्ज़ पढ़ेंगे बाकी अपनी तरफ से अम्बिया कराम के हवाले से हम कोई ऐसा लफ्ज़ और जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो उन पाकिज़ा लोगों की शाया नशान ना हज़रत आदम सलाम और हजरत सैद हवा इन दोनों को अल्लाह तरफ से हुक्म हुआ और ये ज़मीन पाए ज़मीन पर इनको उतारा गया अब यहां पर गौर करें कि अल्लाह ताली ने जब फरिश्तों से मशवरा फरमाया था फरिश्तों के सामने जब बात की थी तो उस वक्त अल्लाह ताली ने क्या फरमाया था Allah ने फरमाया था इन्नी फिल जा खलीफा कि मैं जमीन में अपना एक नायब पैदा करने लगाऊं जमीन में खलीफा पैदा करने लगाऊँ तो गोया ये हमत खुदावंदी थी एक ये मामला और तदबीर ऐसा होना थी कि जनाब आदम सलाम ने जमीन पर आना था और ये सारे उसी जमीन पर उतरने के हवाले से यह सारे इसबाब हैं जिनाब हजरत आदम अलग हैं सैद हवा अलग हैं आप सरंदीप के पहाड़ों में उतरे और आप समझ सकते हैं कि वो जन्नत के हुए गलमा वो जन्नत की नमतें वो सारे मामलों और फिर वहाँ से ज़मीन पर आपका नज़ुल और वो भी अदरत सैदा होवा भी कहीं और हैं और हजरत आदम भी कहीं और हैं ये बड़ा अजब और बड़ा मुश्किल वक्त था जनाब आदम के लिए जनाब आदम ने अपने इसकी पर तीन सौ साल आंसू बहाए जहाँ बैठते अल्लाह के खौफ में अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के इश्क में रोते एक वाक़ हमें मिलता है कि एक दिन हज़रत आदम सलाम बैठे हुए आंसू रहे हैं तो इतने में एक हिरनों का झुंड आया तो उनने देखा पैगंबर बैठा हुआ है चूँकि मखलूक़ ख़ुदा पैगंबर को पहचानती है तो वह ये सारे जो हिरन थे ये हज़रत आदम के करीब आए हज़रत आदम सलाम ने उनको पत्ते खिलाए जब ये हिरन वापस गए तो दिमरी लिखते हैं कि इन पत्तों के खाने की वजह से इन हिरनों की जिस्मों से खुशबू आने लग गई जैसे हम कस्तूरी कहते हैं और इसके बाद इन हिरनों की शक्लें भी दुरुस्त खूबसूरत हो गई और फिर अगले दिन इन्हें देखकर कुछ और हिरन आए तो उनकी शक्लें तो प्यारी हो गई लेकिन उनके जिस्मों में कस्तूरी नहीं आई गोया वो जो पहले दिन आए थे वो पैगंबर के लिए आए थे वो जो दूसरे दिन आए थे वो इनको देखकर अपने लिए आए थे लेकिन महरूम अल्लाह ने दोनों को भी नहीं रखा लेकिन पहलों का मकाम पहला है जनाब आदम आप ज़मीन पर आए रोते रहे क़ुरान कहता है कि हमने फिर उन पर करम किया और उन्हें कुछ कलिमत अल्का किए आपने वो अल्फाज अदा किए और पढ़ने लगे रब्बाना लम नान फुसनाफल तकफिल्लाना व तरह नालकून नमिनसिरी और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि उन्होंने उस दुआ में ये भी पढ़ा था अल्लाह मबाफिल्ला बिहक मुहमद व आल मोहम्मद या अल्लाह तो जे व आल मुहम्मद का वसीला और वास्ता देता हूँ कि मेरी इस मामले को मुआफ़ फरमा तो अल्लाह तबारक व ताली ने उनके तोबा को कबूल किया और जनाब आदम को मुआफ़ फरमा कर हज़रत हवा के साथ उनकी मुलाकात करवाई महज नाजरीनसाम अम्बिया के खूबसूरत तस्कार का ये सिलसिला जारी है हमारा वक्त हो चुका है इनशा कल हम नए कलेमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अल्लाम आईकुम वरह तबरक जी हाँ के बोल में आपको खुश आमदेद कह रहे हैं और हमारे साथ हमारे मुफ्ती साहेबान यहाँ मौजूद हैं औलाद की परवरिश पे हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे लेकिन मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के बयान में एक चीज़ थी जो मैं मैंने सोचा कि उसका उसका जवाब आप सवाल आपके जहन में भी उठा होगा और मेरे जहन में भी वो सवाल उठता है कि आप हज़रत आदम सलाम के हवाले से बात कर रहे हैं और हज़रत आदम सलाम जब माफ़ी मांगते हैं परवरदिगार से तो वो हवाला देते हैं हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम का तो एक एक नबी होते हुए एक नबी का हवाला दिया जा हाल का सलाम की आवैत का जी 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 देखें इसमें कुरान मजीद में जैसे मैंने आपने सुना कि आपने ये पढ़ा था कि रब्बाना झलमदानफनाफल तकफलना वरनाकून और मुस्तनद तफ़ासिर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन नब्बास रजी अल्लाह तु से मरवी रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि उन्होंने साथ ये भी दुआ फरमाई थी कि अल्लाबा नाफिल्ना बक महमद व आल मोहम्मद अब इस पर आपका या सुनने वालों का शायद क्वेश्चन ये होगा कि आदम आलाम ने महमद्ल का वसीला तो मांगा लेकिन ये आल महम्मद तो गैर नबी का एक नबी कैसे वसीला दे सकते हैं तो उसका जवाब ये है कि ये कोई कानून ऐसा नहीं है कि आला अदना का वसीला नहीं दे सकता या लाजमी है कि अदना आला का वसीला दे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त महाजरीन मक्का से आए तो अल्लाह के नबी ने एक दिन हाथ उठा कर दुआ मांगी थी या अल्लाह तुझे इन कस्मा पुरसी के आलम में मुबतला ये महाजरीन सहाबा का वास्ता आपने महाजर सहाबा के वसीले से दुआ मांगी अल्लाह ताला से ये सयाह के अंदर रिवायत मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी गैर नबीस का वसीला भी पेश कर सकता है वास्ता हो दे हो सकता है अल्लाह ये अहल की बात थी जी क्या बात ये है खूबसूरत बात यह रवायत कहाँ जो आपने बयान की रिवायत मैं आपको थोड़े बता अच्छा देता हूँ बता देता हूँ महाजरीन का वास्ता और वसीला ने पेश सही है कोई मैं आगे जाहिर सी बात है ये ये पहली नहीं है में हो ये चीज़। जी, मैं नहीं इसका नहीं। अर्ज कर देता हूँ थोड़ा वक्फे के दौरान हवाला हदीस का लफ्ज नहीं है मैं वगैरह आने रोगी आप लेकर ले आइए जी जी मैं अर्ज कर देता हूँ ठीक है जी हम बढ़े हैं आगे हमारे जो आज का मौजू है उसकी तरफ औलाद की परवरिश अमीन शेरी साहब बसम्ला करते हैं आपसे सबसे अहम क्या है औलाद की परवरिश में इसमें आपका क्या ख़्याल है कि सबसे अहम चीज़ औलाद की परवरिश में क्या चीज़ आती है बसम फैसल भाई आपका मौजू अपनी ज़रूरत के अतबार से आज की आज के इस माशरे में सबसे अहम तरीन मौजू है बिल्कुल तरबियत का आगाज़ शादी के मौके से होता है ना ये कि बच्चा पैदा करने के बाद जब आप निकाह करते हैं तो निकाह में आपको हुक्म दिया गया है कि आप साले फर्द का इंतब करें चाहे औरत हो चाहे मर्द हो बिल्कुल जब दो साले इंसान एक दूसरे के ज़िंदगी के साथी बनते हैं तो उसके बाद एक साले ज़िंदगी का आगाज़ होता है बिल्कुल लिहाजा शादी ब्याह की महफिलों को भी खुशी के नाम पर हराम में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए उसको पाको पाकिजा ही रखना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल जो है वो पाको पाकिजा बने जब इब्तदा ही अल्लाह की मुखालफत से होगी तो फिर जाहिर है आगे नस्लों पर भी ये चीजें असरंदाज होती हैं अब जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है इसलिए कहा गया है कि जब मर्द और, और औरत आपस में इकट्ठे हों तो वजू के साथ हो अच्छा अल्लाह का नाम लेकर हूँ, खुद ये उस चीज की अलामत है कि आपका हर फैल अल्लाह की तरफ सफर से इबारत है और इसका नतीजा अल्लाह तबारक एक पाकिजा माशरत की सूरत में आपको अदा करता है ठीक है अच्छा जब बच्चा शिकम मादर में मनद होता है लुतफा मनद होता है और बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उस वक्त भी इंतहाई जरूरी अहकाम में से एक ये है, है कि माँ को हमेशा बावजू होना चाहिए नंबर एक नंबर दो जो बाप रिज लेकर आता है रोजी लेकर आता है तनख्वाह लेकर आता मैं आ तो तो है इस तरफ वैसे आपको आ गए ये इब्तः है ना जीत हम तो बात भी की, भी। की बात कर रहे हैं इब्तदा यहां से होती है जब वो शोहर बाहर से लेकर आता है तो उसमें हराम ना हो उसमें मिलावट ना हो उसमें किसी मजलूम का हक ना हो ताकि ये खुराक जब माँ खाए और उस खुराक से जब बच्चे का वजूद बनने लगे तो वो वजूद पाकिजा वजूद हो हमारे यहाँ एक वाक़ लम्हा के यहाँ नकल किया जाता है अलावा मजलसी की आ, के हवाले से उनके वालद एक दफ़ा मस्जिद में गए अपने पाँच साल बच्चे को लेकर मस्जिद से जब बाहर निकले तो इस बच्चे ने नमाज़ियों से पहले बाहर आकर मशकीज़े को छेद दिया था किसी कील से उस ज़माने में ज़ाहिर दो सौ साल पहले तीन सौ साल पहले मशक्ज़ों में पानी लेकर आते थे और उससे वजू करते थे उसको छेद दिया और उसमें से सारा पानी बह गया तो वालिद ने जब ये देखा बच्ची की उंगली पकड़ी घर आए बच्चे से कुछ नहीं कहा अकेले में बैठकर रोते रहे बीवी ने पूछा क्यों आप रो रहे हैं कहा कि आज बच्चे ने ये हरकत किया है तो मैं ये सोच रहा हूं मैंने कहाँ पर गलती की थी अल्लाह ये बच्चा खुद नहीं कर रहा ये मेरी किसी गलती का नतीजा है तो वालदा भी बड़ी महमूम हुई कि भाई ऐसा बच्चा है लेकिन वो बच्चा भी गलत काम क्यों करे जब तक उसके वजूद में कोई गलत लुकमा ना गया हो लिहाज़ा सोचते रहे कुछ देर बाद माँ ने कहा कि गलती आपने नहीं मैंने की है वो कहा क्या गलती की है कहा एक दिन मैं हमसाये के घर गई थी तो उनके घर से निकलते हुए उनके सहन में अनार का दरख्त था अनार लगा हुआ था मैंने सोचा कि उनसे जाकर इजाज़त क्या लेनी मैंने बाल में से पिन निकाली एक अनार को यूँ चुभोया उसका जयक़ा चखा चखने के बाद वो पिन दोबारा अपने बालों में रखी और मैं वापस घर आ गई आज मुझे याद आ रहा है कि उस एक जर्रे की वजह से मेरे बच्चे ने आज हाथ में सुआ लिया है और मशक्जी में सुराख करके पानी बहा दिया है ये उस खुराक का असर है इसलिए ये जो वालदेन खुराक लेकर घर जाते हैं इससे बच्चे के मुस्तबल को वो बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं इमाम हुसैन आल्लाम के आखिरी वक्त के ख़ुतबात आप देखें लाशें इर्द मौजूद हैं लश्कर यजीद से खिताब है उमर साथ का लश्कर जो है सामने मौजूद है खिताब में उनको नसीहत करते हैं कहते हैं अब भी वक्त है तुम इधर आ जाओ लेकिन उनमें से कोई नहीं आता फरमाते है, पूछते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम पर मेरी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा उधर से खामोशी छा जाती है फरमाते हैं इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए जब है। पेट में हराम का लुकमा जाता है तो वो बच्चा हो या बड़ा उस पर हक की बात असर नहीं करती इसलिए तरबियत में सबसे जो पहला मरहला है वो ये यह है यहां से आप आगाज करें उसके बाद बाकी तमाम चीजों की तरफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद रमज़ान में बोल कि सैरी ट्रांसमिशन आप लोगों के साथ आ, हम यहाँ पे मौजूद हैं उलमा के बोल हमारी कोशिश ये रहती है कि इस ट्रांसमिशन में आ, कुछ हमदोसना नात रसूल मकबूल भी हों साथ में हम कुछ हमारे जो कराम हैं उनसे कुछ मौजू के ऊपर बात भी करते रहें और मैं औलाद की परवरिश के हवाले से जब बात कर रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात अमीन शहीदी साहब की तरफ से हम तक पहुंची है आ, मैं थोड़ा सा साहब आपकी तरफ़ आऊँगा ये आजकल जो दौर है देखें आ, ये बात आप समझ सकते हैं कि माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और मजबूरी है कुछ जगह पर ऐसे हालात हैं कि माँ बाप को दोनों को काम करना रहा है औलाद पर इतनी तोज्जो नहीं दे पा रहे होते क्योंकि औलाद कैसे होनी है वो तो पूरा आ, अमीन शहीदी साहब ने हमें बड़े भरपूर तरीके से ये चीज़ समझाई है कई घरों में माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं औलाद पे इतनी तवज्जो नहीं है या तो आ, कुछ घरों में नैनीज़ हैं जो बच्चे को संभाल रही हैं या नानी या दादी या खाला या पुप्पो कहीं ना कहीं बच्चा इस तरह से पल रहा है तो ये इसमें जो बच्चे की परवरिश है उसमें कितना मसले मसाइल होते हैं या ये सही है बिसम वसलात वाम रसूल्ला देखे फैसल भाई सिर्फ़ शादी कर लेना औलाद पैदा कर लेना यही कमाल नहीं होता है ये यही काफ़ी नहीं है बल्कि जिस वक्त अल्लाह औलाद से नमत औलाद से बंदे को नवाजते हैं तो उसके बाद फिर उस बंदे पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से औलाद के मामले में बहुत सारे अहकाम उस पर लागू होते हैं नबी पाक वसल्लम की अहादीस हैं बहुत सारी जिनमें वालदेन के लिए रनुमाई की गई है कि वह अपनी औलाद की किस तरह तरबियत करें नबी पाक की एक हदीस धूल फ़रमाते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलफ़रा फ़ाबा वाओ युविदानी और युनसरानी और यूमजस्सानी और कुमा काम का के हर बच्चा अपने दीन फ़ितरत पर पैदा होता है ये आगे फिर उसके माँ बाप हैं कोई उसको यहूदी बना देता है कोई नसरानी बना देता है कोई मजूसी बना देता है गोया कि एक अहम तरीन चीज़ इंसान की ज़िंदगी में उसका अकीदा और उसका दीन होता है तो इस दीन में भी असल जो नस्बत जा रही है वो वालदेन की तरफ़ जा रही है कि वालदान की असल ड्यूटी है कि वह अपने बच्चे को उस दी फितरत के ऊपर कायम और दायम रखें अब अगर बच्चे की तरबियत में कमी कोत हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम छूट जाएंगे या हमारा कोई उसमें हमसे पूछा नहीं जाएगा बल्कि नबी आसला तस्लीम तो की बड़े वाजे तौर पर अदीस मुबारक मौजूद है कि कुल्लकुम रायन वकुल्लकुम मसूल उन्हही है थी कि तुम में से हर आदमी राय है हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसकी जिन पर वो निगहबान है उसके बारे में उससे सवाल किया जाना है ठीक है एक वालिद से मतलब अगर बादशाह है तो बादशाह से उसकी रैयत का सवाल होगा एक एस एस पी है तो उसके लेवल का सवाल होगा एक जर्नल है तो उसके लेवल का सवाल होगा और अगर एक आदमी कुछ भी नहीं है वो गरीब तरीन आदमी है वो उसका कोई उहदा नहीं है लेकिन उससे भी सवाल होगा कि आखिर उसके भी तो कोई है उसकी बीवी है उसके बच्चे हैं उन्होंने उसकी तरबियत कैसे की है अगर तरबियत में वो कमी छोड़ेगा तो अल्लाह की वारगा में पकड़ा जाएगा अब हम तरबियत कहाँ से शुरू करें कैसे करें अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सदना इब्राहीम असलाम जब अपने शहज़ादे हज़रत इस्माईल इस्लामाम को अल्लाह के हुक्म पर यह भी बड़ा अजीब इम्तान है अल्लाह के नबियों का उनको छोड़ कर जाते हैं जनाब हुक्म होता है और करें सतासी साल की उम्र में अल्लाह ताली ओलाद अता कर रहा है और फिर अल्लाह ताली की तरफ से हुम है कि भाई इसको बयाब हो गया यहाँ पर छोड़ कर जंगल में चले जाओ अब जब जाने लगे ना तो हज़रत सईद हाजरा पूछती हैं इब्राहिम मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हो ये अल्लाह का हुक्म है तो जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा खाना छोड़ के जा रहे हैं तो पूछते हैं कि इब्राहिम ये क्या तो आप फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म पर फरमाते हैं फिर ये पानी भी उठा लो खजूरें भी उठा के ले जाओ जिस रब ने इतनी उम्र में बैठा दी है वो इसको पाल और संभाल भी लेगा तो वहाँ अल्लाह के नबी ने जो दुआ मांगी चाहिए क्या था कि क्या दुआ करते या अल्लाह तेरी तेरे हुक्म पर बच्चा छोड़ के मैं जा रहा हूँ तू तो इसके खाने का ख्याल करना पीने का लेकिन क्या है? रब जाली मुख़ी मसलात वन ज़रूरियत ही रबना रब व तक्वल रो दुआ तो अल्लाह के पैगम्बर ने वहाँ भी अपने लिए और अपनी ज़रूरीत के लिए अपनी औलाद के लिए नमाजी बनने की दुआ मांगी है तो एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद का सबसे पहले अकीदे के मामले में तरबियत करें जैसे नबी पाकली शाह फरमाया कि तुम में से हर आदमी के लिए ज़रूरी है तुम उसके बाद कुरान की तिलावत सिखाओ तो माँ बाप की जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी उसको सही मुसलमान बनाए वो समझने के लायक उसको बताए कि हम अल्लाह के बंदे रसूल के मती हैं फिर वो बताए कि हम मौला अली के गुलाम हैं हम स्यदा... वो बच्ची है तो माँ बताए कि हम सैयद हजारा की लोहड़ियाँ होती हैं हम सैयद हजारा की कनीजें होती हैं हम असन करीमैन के गुलाम होते हैं हम सैदों के नौकर होते हैं उनको दुश्मन ना बनाए यजीद की तरबियत ना करे यजीदियों वाली उसकी तरबियत करे आले बैद की मोहब्बत वाली ये अल्लाह के नबी का ऑर्डर है और आखिरी चीज क्या फरमाए तिलावत अल तीसरी चीज कुरान की तिलावत से ना हो तो माँ बाप के जिम्मे कुरान की तलावत बच्चों के अकीदा ओलाद को आलैद की मोहब्बत असल चीज़ उसकी रिस्क हिलाल, और फिर जब वो शूर की मंजिलों से आगे जाए तो फिर उसको उतनी तालीम और तरबियत कि जिससे वो माशरे का अच्छा फ़र्द बन सके <laughs> ना शाम वाली बात याद आ गई हम बात कर रहे थे कि दीन में आसानियाँ या मुश्किल है तो बहुत सारे लोगों को अभी यह लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है ये कौन करेगा हैं भाई हमने तो कुंडा भी डाला हुआ है हमारी बिजली तो आप ही कुंडे से रही है है हम तो फल भी पूरा नहीं तोलते मार्केट में इतने का मिल रहा है हम इतने का बेच रहे हैं कोई इतने का बेच रहा है कोई इतने का बेच रहा है तो वो ये भी दिमाग में चल रहा होगा या छोड़ो ये तो ऐसी ही ये वाली बातें ऐसा कुछ भी नहीं है आपसे मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है गौर से सुन के आपने इसका जवाब देना देखें एक से जायद दो या तीन शादियाँ जिनकी हैं वो कैसे यार ये सीरियस सवाल है मेरा यार सही है सही है और मर्द मर्द ही करते हैं दो तीन चार शादी मर्द करेंगे औरत एक निकाह करेगी मर्दों को है वो दो तीन चार निकाह करे बात करें एक भी मर्द ही करता है शाह अच्छा ये मैंने नहीं कहा है ये शाह ने कहा है मैंने हाँ। तो आ, आपकी कितनी उमी है खैर से शाह साहब शरीय मतारा कह रही है कि औरत एक निकाह करेगी जो मर्द है वो दो तीन चार निकाह आपने कितने के सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दो निकाह किए है माशा और दोनों माशाल्लाह खुश हैं हाँ। दोनों मुझे दुआएं दे रही होती है अच्छा और, और दोनों नमाजी है और ए, वैसे पूछ लूं फैसल भाई इसीलिए आप शाह साहब के पास बहुत ज्यादा बैठते हैं नहीं नहीं फैसल भाई एक ही करेंगे फैसल भाई एक जी 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 जो एक से ज्यादा जिनकी शादियां हैं और मौजूद हैं तो वो कैसे औलाद की परवरिश करेंगे बसम्ल वसोल्ला वाला आल वसाबी अजवा देखिए औलाद अल्लाह की अज़ीम नम में से नमत बेशक इस नमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं बिल्कुल बिल्कुल औलाद इंसान के लिए सदका जा रिया है अक्रम सल्लम ने फरमाया मात इंसान अनकत अमल हो अल्लाद और सदका तुल जारिया और यास जो शख्स मर जाता है उसके अमाल मुनक़ति हो जाते हैं हाँ अगर बेटा है पीछे वो उसके लिए दुआ करता है वो सदका जारिया उसके लिए ओम नावी बहुत बड़ा सुल्म है फिर आपके बेटे से कहते वाला तो सारद तकलीस अखला की तालीम और लोग बुराई से रोकना है आज हम हमें अपनी औलाद की दुनिया की तो बड़ी फिक्र होती है हम में से हर्ष चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने मेरा बेटा साइंसदान बने मेरा बेटा डॉक्टर बने क्या कभी हमने ये सोचा कि मेरा बेटा अल्लाह की इबादत गुजार भी बने इस बेटे को हमने दुनिया कमाने के सारे ढंग सिखा दिए अल्लाह की इबादत का कोई ढंग सिखाया क्या हमने इनकी दुनिया की फिक्र तो की हमने लेकिन इनकी आखिरत की फिक्र नहीं की इसको मरकर अल्लाह के पास जाना है क्या आपने कभी ग़ौर किया कि ऐसा ना हो कि मेरी औलाद जहनम के ईंधन बन जाए मैं इसको बचाने के लिए क्या कोशिश करता हूँ आज हमारी सारी तगोताज जो है सिर्फ दुनिया पर है और अल्लाह तरह मजीद फरमाते फलम जा आत रसुल बिल बनात फ़ारहकब माक़ान भी जब हमारे अम्बिया इनके पास अल्लाह की मार्फत का इल लेकर आए अम्बिया ने कहा कि आओ हम तुमको बताएं कि तुम अल्लाह के बंदे कैसे बनो आओ हम तुमको बताओ ईमान तुम कैसे पाओ हासिल करो ये लोग जो अपने उलूम फनून में मगन रहे इन्होंने कहा नबी की बात सुनकर हमें रोटी थोड़ा मिलेगी हमें तो रोटी मिलेगी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए आपकी बात काटा बड़े बड़े मसरूफ लोग देखें और उनकी बड़ी नेक और साले औलादे देखी जी मसरूफ़ हैं लेकिन जिस तरह से वालदा उनकी बच्चों को ले चल रही वाँ, हैं वाँ, वाँ, वाँ। आ, या अगर वालदा भी मसरूफ़ हैं वालिद भी मसरूफ़ हैं तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जिस तरह से उन बच्चों को ले चल रहे हैं तो मैंने बड़े बड़े मतलब अच्छी तरबियत के बच्चे देखे हैं माँ बाप के मसरूफ़ होने के बावजूद असल मसला ये है कि आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जी बच्चे को वक्त ज़्यादा दें कई जगह पर मेरी ये बात भी हुई ये अपना एक्सपीरियंस भी है कुछ दोस्तों का जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो माँ बाप से कनेक्शन नहीं है मैंने पूछा कनेक्शन क्यों नहीं है मतलब एक होता ना माँ बाप के साथ आपका एक एक कनेक्शन होता है एक आपकी लगाव होता है अपने अपने माँ बाप के साथ तो वो कुछ बच्चों को मैंने मैंने देखा मेरे दोस्तों में उनका नहीं है वो लगाव नहीं है अपने माँ बाप के साथ तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं है कहते यार हमें हमारे माँ बाप ने तो पाला ही नहीं तो हमारे लिए वो उस तरह से वो जगह पर ही नहीं है मतलब हम साल में अगर छः दफ़ा अपने बाप को देख रहे हैं तो या दस दफ़ा देख रहे हैं तो हम क्या कनेक्ट करेंगे हमें तो ये लगता था अच्छा ये अच्छा ये हमारे अबू हैं अच्छा ठीक है तो ये वाले इश्यूज हैं बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल है देखिए इस सिलसिले में औलाद जो है माँ बाप के पास अमानत है अल्लाह बिल्कुल बच्चा एक गोश्त का लोथड़ा होता है जब पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता और इस गोश्त के लोथड़े को आप जिस सांचे में चाहो ढाल दू अगर आपने नेकी के सांचे में डाल दिया ये नेक बन जाएगा अगर हमने बुराई के सांचे में डाल दिया वो बुराई चलेगी आज हम बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं <coughs> बाप घर में मौजूद है और कोई बाहर आया दरवाजा खटखटाया उसने और वो मिलना नहीं चाहते उसे बेटे बेटा कह रहे हैं हम घर में नहीं गोया कि हम बच्चों को झूठ बोलने की तरबियत दे रहे हैं प्रोफेसर बात तो इससे बहुत आगे निकल, गई, निकल गई है अब तो बहुत इससे भी बहुत आगे निकल गई है बात, बात। बहुत आगे निकल गई वाली जवाबेस नी रह गई वो वो जो सवाल आपने पहले पूछा था प्रोफेसर प्रोफेसर साहब उसका जवाब ले की रह गई है वो चले हम कहीं और वापस आ जाएंगे हम किसी और से पूछ लेंगे मैं हनीफ अब्बासी साहब की जी जी नवीद अब्बासी साहब की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं हनीफ कुरैशी साहब है भाई कुरैशी कुरैशी का ख्याल करेगा भाई वो भी अब्बासी ही है अच्छा ऐसा चल रहा है कुरैशी तो बेसिकली तो सारे सादात सारे अब्बासी सारे अवान ये सारे कुरैशी हैं हाँ पीछे तो ख़ानदान कुरैशी है देखें बता रहे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है एक चीज़ नज़र से गुजरी थी और ये चूंकि अभी डिस्कशन हो रहा है तो मैंने कहा ये मैं मैं सवाल आपसे करूं क्योंकि आप ही के दिए हुए तोहफे हैं जिनमें मैं बहुत कुछ पढ़ रहा होता हूं तो उसमें एक चीज़ गुजरी बच्चे को कुरान पाक में फितना क्यों कहा गया है बिस्मिल्लाम एक तो जनाब इस गुजारिश ये है पॉइंट ऑफ आर्डर पर कि तीन मिनट की पाबंदी करवाएं अभी तो खैर नहीं नहीं अभी, तो हम नहीं, अभी भी दो तीन दफा एक फ्लो में दस मिनट के लिए जब हम जाते हैं ना तो साम जरा वो परेशान होते हैं नहीं नहीं चाहिए आखिरी बात ही तो एक तो ये मेरी गुजारिश है दूसरा आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि अभी आप देख लीजिएगा मैं ढाई मिनट में खत्म कर दूँगा ये मेरा भाई कुरान मजीद फरक़ान हमीद की जिस आय मुकदसा की तरफ आपने इशारा किया है कुरान ने का इन नमा अमवाल वलादम फितना तुम्हारे लिए तुम्हारी अमवाल और तुम्हारी औलाद ये फितना है ये क्यों फितना है औलाद अल्लाह की नमत है तो नमत का दुरुस्त इस्तेमाल वो उसको आपके लिए रहमत बना देता है और नेमत का गलत इस्तेमाल वो उसको आपके लिए जहमत और फितना बना देता है वा, वा, आप जरा देखिए कि कितने लोग आज जो करप्शन दो नंबरी करते हैं वो किस लिए करते हैं वो कौन इस्तेमाल करता है हमारा ये सवाल है कि ये जो दो नंबरी होती है जो चोरी डाका और ये सब कुछ बल्कि इवन यहां तक के आदमी अपने आप को हलाकत में डालता ले, 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 ले। है खुशियों पर प्रोग्राम किया वो तो खुदकुशियों पर जो प्रोग्राम हुआ जी वो आखिरी उसका जो है वो लिखा हुआ देखें वसीयत नामा या जो उसने बात की होगी या वीडियो बनाई होगी वो क्या होती है वो जी मेरे चार बच्चे थे पांच बच्चे थे मैं उनको पाल नहीं पा रहा था तो मैंने खुदकुशी कर दी तो हलाकत में वो किसकी वजह से गया औलाद की वजह से तो अब ये जो औलाद है औलाद रहमत भी होती है औलाद जो है वो बंदे के लिए फितना और आजमाइश और इम्तहान भी होती है ये रिवायत भी है कि कल कयामत के दिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो औलाद के सबब से जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे वो खुद नेक होंगे लेकिन चूँकि उनकी औलाद ने गलत कारियाँ की होंगी और उन्होंने तरबियत सही नहीं की होगी इसलिए ये मरहला दरपेश आएगा आज फैसल कुरैशी साहब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ की बिगड़ी हुई मैं आपको नहीं कह रहा लेकिन आपके गिरदोपेश में हमारे गिरदोपेश में जो बिगड़ी हुई औलादें हैं जिनकी एक मामूली से इशारे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको दे दी जाती हैं वो गाड़ियों के नीचे गरीब को रोंद के चले जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं होता ये होता है इसी सोसाइटी इसी मुआरे में है इसकी वजह क्या है कि हम औलाद की तरबियत सही नहीं करते नहीं। काश कि काश के हम औलाद की तरबियत करने लग जाएँ और मेरी गुजारिश ये कि तरबियत सिर्फ़ इसका नाम नहीं आपने अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया आपने किसी अच्छे उस्ताद का इंतखा कर दिया ये तमाम चीज़ें जराए हैं असल जो तरबियत है वो खुद माँ बाप औलाद के सामने वो अमल करें जो अमल औलाद देकर खुद करे अगर बाप झूठ बोलता है तो बेटा झूठ बोलेगा यकीनी तौर पर भले आप सुबह से शाम तक बच्चे को बोले तुम सच बोलो बाप झूठ बोल रहा है तो औलाद बोलेगी बाप अगर नाजायज कर रहा है तो बच्चा नाजायज करेगा इसके लिए पहले अपने आप को अमली मैदान में पेश करना होगा जिन घरों में माँ बाप अच्छा अमल करते हैं वहां की औलाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ घर में है खुदा का वास्ता माँ बाप खुद अमल करने लग जाए बातों से तरबियत नहीं होती है अमल नाम है तरबियत का अमल पे आए तो आगे बढ़ जाएंगे आप सुबह अल्लाह अल्लाह सुबहानल्ला हम मुड़ेंगे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ और यहाँ जब बात होती है ना वहाँ बात खत्म हो जाती है लगता है वहां से ना नया टॉपिक शुरू करना ली ये ठीक ढाई मिनट ही बोलते हाँ सही है ये आपने प्रैक्टिस की हुई थी बकायदा तो अब साहब बात यह है, है। कि बच्चों को डराया जाता है माँ बाप कई कई बाप जो हैं वो बड़े तरीके से बच्चों पे प्रेशर रखते हैं डांटते भी हैं मारते भी हैं बच्चे सहमे सहमे घर में रहते हैं फिर वही होता है कि वो जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो बदतमीज़ होने लगते हैं या वो घर से भाग जाते हैं या वो बच्चे जैसे हम उस दिन ख़ुदकुशी पे प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारी मैं आपको बता रहा था कि बच बच्चों ने जो है वो इस डर से कि उनके नंबर्स नहीं आए तो उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली। तो ये पेरेंट्स का इतना प्रेशर मेरा इतना अच्छा सवाल था मुझे वापस आके फिर पूछना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आता हूँ और फिर हम चलेंगे अबू मोहम्मद साहब की तरफ़ छोटा सा ब्रेक जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आ, आगे बढ़ते हैं मैं बड़ा लंबा सवाल कर चुका हूं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब से और सवाल आपको याद है या मैं रिपीट कर दूं बिल्कुल याद, बिल्कुल याद है, आप बि... आप है अरे वाह वाह वाही जन्ना वा सन्ा वा महम्मद अल सम क्या अलमिया है कि आप जिस कौम से ये मुताल कर रहे हैं कि वो तरबियत करें वो खुद बग़ैर तरबियत के मौजूद है उसकी अपनी तरबियत नहीं है तरबियत तो वो करेगा जिसकी अपनी तरबियत होगी आपने यहाँ तीन लफ्ज इस्तेमाल करे हैं बल्कि तीन जुमले इस्तेमाल हुए परवरिश तरबियत और तालीम इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है जहाँ तक परवरिश का ताल्लुक है वो जानवर भी करता है वाह दरिंदे भी करते हैं वाह वाह अगर ये माँ बाप करते हैं तो कोई एहसान नहीं है इनकी ड्यूटी इससे आगे की है तालीम की है अच्छी तालीम तालीम किसे कहते हैं मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अर्ज़ करता जाऊँ तालीम कहते हैं कि कोई बर्तन आपके पास है ये चीज़ अच्छी है या बुरी है इसका इल्म हो जाना इसे तालीम कहते हैं बच्चे को अच्छे कपड़े देना अच्छा खाना देना ये परवरिश है और किसी चीज़ का उसे अच्छे और बुरे होने काम हो जाए ये तालीम है और तरबियत क्या है कि जब उस बच्चे को औलाद को अच्छा अच्छा लगे बुरा बुरा लगे इसे तरबियत कहते हैं वाह 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 तालीम बहुत है आज तरबियत नहीं है वाह 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 कितनी दुनिया को पता है कौन कौन सी बुराइयां हैं फिर भी बुराइयां कर रहे हैं बुराई बुरी नहीं लगती अच्छाई अच्छाई नहीं लगती इसका मतलब ये कि तालीम है तरबियत नहीं है तो बुनियादी तौर पर हमारे अकाबरीन ने जो लिखा है तरबियत के मतलब तीन बातें चूंकि इतना वक़्त नहीं होता मैं भाई नवीद अब्बासी साहब के कॉल पे अमल करूंगा कि ढाई से तीन मिनट बात मुकम्मल नहीं 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 आप करें आप करें वक्त है अभी इमाम गजाली रहमत आली ने इस बात पर जोर दिया है कि जब बच्चे को बुनियादी तौर पर बच्चा बड़ा हो तो उसे आप तीन चीज़ों पर जोर दें एक तो बच्चे को सच बोलना सिखाएं हम सबसे पहले औलाद से झूठ बोलते हैं ये तुम्हारे लिए लाऊंगा लाते नहीं हैं अगर आपने एक टाफी का भी बच्चे से वादा किया है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ले कर तो आप उसे लेकर आएं और अगर आपने नहीं देनी तो बच्चा कल को कहेगा जिस तरह बाप चक्कर दे रहे ये चक्कर देना कोई अच्छा काम है वो सारी दुनिया को चक्कर देगा जहाँ तक उसका असर रसूख होगा सबसे पहले आप अपनी औलाद को सच बोलना सिखाएं कि सच बोलने पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो जितनी मर्जी गलतियाँ हों उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन सच के बजाय झूठ बोलें इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें आप देखिए आपके घर का माहौल बदलता चला जाएगा नंबर दो आप अपनी औलाद के साथ नमाज पे कंप्रोमाइज़ ना करें उसे नमाज का पाबंद बना दें, जो औलाद नमाज की पाबंद होगी उसकी पूरी ज़िंदगी की तरतीब ठीक होगी पूरी जिंदगी की तरतीब पर होगा वो उसके ज़िंदगी में कहीं उरूज व जवाल नहीं होगा उसका हर काम तरतीब से होगा हर काम नजम के साथ होगा वो औकात का एक माहिर इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी में नमाज होगी नमाज पे कभी कभी कंप्रोमाइज़ ना करें और तीसरी चीज़ हमने अपने जितने बड़े अकाबरीन को सलफ़ को साल को देखा है या पढ़ा है उन्होंने खुद भी और उनकी ज़िंदगी में उनकी औलादें भी जब भी आपकी ओलाद इस नहज पर पहुँचे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए तो आप अपनी ओलाद को खिदमत करना सिखाएँ। आज हमारे यहाँ खिदमत नहीं होती हम छोटे छोटे बच्चों को भी प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं बाप खुद उसके काम कर रहा होता है उसे मोजे पिना रहा होता है उसे जूते पिना रहा होता है वो मोहब्बत की बुनियाद पर ठीक है लेकिन लोगों के सामने उसे खिदमत का जज्बा सिखाएँ लोगों के सामने उसे दस्तरखान लगाना सिखाएं लोगों के सामने उसे दूसरे का इज़्ज़त करना इकराम करना प्यार करना उसे मेहमान को रिसीव करना उसे रुखत करना खिदमत करना सिखाएं इमाम गज़ाली रहमत ली से किसी ने पूछा कि आपने कितना अर्सा इलम हासिल किया कहा दो साल कहा घर से आप बीस साल गायब रहे बाकी अठारह साल आपने क्या किया कहा जो दो साल मैंने पढ़ा था अठारह साल में मैंने अपने बुज़ुर्गों के पास रहकर उसे सीखा है अठारह साल में मैंने उसे सीखा है हमें एक छोटी सी एग्ज़म्पल देकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ हमारा एक नज़रियाती मुखालिफ मुल्क है पूरी दुनिया में सब जानते हैं दुनिया में दो नजरियाती मुल्क है एक पाकिस्तान है और एक इसराइल है इसराइल ने इस बात पर रिसर्च की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने यह बात क्यों फ़रमाई कि 9 साल से लेकर 11 साल के बच्चे की तरबियत करो अब हमारे यहाँ ाकर इस पर मुख्तफ बातें लिखते रहे वो इसलिए कहा होगा इसलिए कहा होगा लेकिन उन्होंने जब रिसर्च की तो रिसर्च के बाद उनकी रिसर्च के हद तक ठीक है या गलत है लेकिन रिसर्च की कमाल है उन्होंने रिसर्च करने के बाद लबे लबाब ये निकाला कि जब बच्चा नौ साल की उम्र में पहुँचता है तो नौ साल के बाद बच्चे के मेमरी डोर ऑफ होना शुरू होते हैं और वह ग्यारह साल में जाकर मुकम्मल क्लोज हो जाते हैं वहाँ बच्ची औरत प्रेगनेट होती है उसके बाद से उसे छुट्टी दे दी जाती है उसकी तनहार डबल हो जाती है उसके साथ उसके मियाँ को भी छुट्टी दे दी जाती है हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी हम आया के और मासीियों के हवाले किया होता है और वो बच्चा मुस्तकिल तौर पर उसकी नशो वनुमा हो रही होती है जब वो बच्चा पाँच साल की उम्र में पहुँचता है छः साल की उम्र में पहुँचता है उस बच्चे से पूछें बेटा बड़े हो के क्या बनोगे मैं डॉक्टर बनूँगा मैं पायलट बनूँगा वो बच्चा वही बनता है हमारे यहाँ अठारह बीस साल बाद जाके सोचते हैं और तो की बने और ड्राइवर ही बनना है उसने क्या बनना है खाक बनना है हमारे यहाँ आज से ये मैं दस साल पहले की बता बात बता रहा हूँ दो की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ ग्यारह साल से कम उम्र बच्चों की तादाद सात करोड़ से ज़्यादा है उन से सात सौ बच्चों के बारे में भी हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम अपने बच्चों का उसकी मेमोरी डेवलप करें कि उस बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है तो मेरे ख़्याल में बच्चों की तरबियत तो आप करेंगे मैं भी करूँगा लेकिन बहुत ही मादरत के साथ पहले आप अपनी अखलाक तरबियत कर लें कि जिन्होंने खुद अपने बच्चों की तरबियत करनी है आपकी अपनी तरबियत कैसी है फिर आप बच्चों की तरबियत कीजिए जो अभी अबू मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं ये एक बहुत लंबी बात है मैंने इस पर एक दफ़ा मॉर्निंग शो था उसमें मैंने पूरी डिटेल ये डिस्कस की थी कुछ कुछ चीदा चीदा बातें औरत जब प्रेगनेंट होती है ख़ासतौर तो से अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो ये बात हकीकत है कि वहाँ पे छुट्टी दे दी जाती है शोर को भी छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे फिर जब बीवी प्रेग्नेंट होती है बच्चा शिकम में होता है तो शौहर मुस्तकिल उसके पास बैठ के अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है और जो इनकी किताब है वो ज़रूर वो पढ़ी जाती है उस औरत के पास बैठ के ऊंची आवाज़ में ये एक उनका बड़ा रूटीन है फिर औरत को बकायदा तौर पे एक दो गेम्स हैं जो उसको कहा जाता है कि ये आप खेला करें ताकि उससे बच्चे का हिसाब किताब जो है वो तेज़ हो वक्त है अगर जी जी बिल्कुल बात करना जी जी इजाज़त हो तो तरबियत के हवाले से जैसे हजरत ने फरमाया ना एक तो है बातों से तरबियत का हो और एक है अमल से जैसे मैंने गुजारिश की देखिए हमारे जो बुज़ुर्ग सल्फ साल थे वो इल्म सारा पढ़ लेते थे और सारा इल्म पढ़ लेने के बाद फिर वो उसके बाद दस दस पंद्रह पंद्रह साल तरबियत के मरल से गुज़रते थे। ये इस बचपन की बात नहीं है शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी बारी सारे ज़ाहरी ूमों फ़नून पढ़ने के बाद हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना वो मादरजाद वली हैं तो मैं उन उस कॉम से ये सवाल करता हूँ कि अगर वह मादरज़ाद वली हैं तो फिर वोलूम ज़ाहिरिया पढ़ने के बाद वो जंगलों बे में और वह किसी अल्लाह वाले की तरबियत में इतना अर्सा क्यों गुजारते हैं ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने अमल से बता रहे हैं कि ज़ाहरी ूम अपनी जगह पर तुम अपने बातिन को पाक करो असल में ये तरबियत नाम गुफ्तगू का नहीं है बुनियादी तौर पर ये अपने मन को साफ करने का नाम है अगर मैं अपने दिल में बुग्ज़ हसद रख के मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब के बच्चों को कहूँ कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह और दिल में मेरे बोग हसद कीना और दो नंबर ही पाई जा रही हो तो फिर ये पूरे का पूरा निज़ाम ही खोखला होगा बुनियादी तौर पर अहलुल्ला के हाँ जो तरबियत का निज़ाम था वो ये था कि वो लोगों के अंदर को पाक करते थे वो अंदर उसके अल्लाह के वली के पास एक बहुत बड़ा आलिम आया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी चारपाई पे बैठे हैं आप बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने कहा नहीं मैं मुरीद होने आया हूँ कब मुरीद होने आया हो तो पहले लोगों की जुतियाँ सीधी करो ताकि तुम्हारे अंदर से किब्र खत्म हो तुम्हारे अंदर ये जो बढ़ाई है ये खत्म हो तो इसलिए गुजारिश ये है कि हम बड़े आला किस्म के सोफे पर बैठ कर अपने घरों में जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो वो मामला नहीं मैंने पहले गुजारिश की कि हम अपने ऊपर पहले शरीयत को लागू करें और अमल से बातों से नहीं माजरत के साथ आज सारी जगहों पर जो है ना वो गुफ्तगू से तरबियत हो रही है हम भी बातें कर रहे हैं हमारा जो मामला है वो भी पता नहीं है क्या होगा बातें जरूर की जाए लेकिन बातों के साथ साथ अगर अमल देखा जाए रसूल अक्रम सलाम के नवासे के बाद में बात खत्म करता हूं कि बुजुर्ग वजू कर रहे थे उन्होंने वजू में कोई गलती आ, की कोई कोताही की तो उन्होंने वा, ये वा, नहीं कहा बाबा तू गलत कर रहा है वा, मुफ्ती वा, वा, नवीद अब्बासी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मैं उनकी तरफ तो उसने झन रखता हूं हम तो कह देते हैं तेरी गलती है तू ऐसा है उन्होंने कहा बाबा जी जरा आप देखना हम दोनों वजू करते हैं हम में से वजू तो बाबा जी समझ गए उन्होंने कहा बच्चा आप अल्लाह के रसूल के नवासे हो गलती मेरी है आप गलती नहीं कर सुबह ये ये तरबियत है ना इस्लाबाद से जबरान बात करूँ कहते हैं आप से जी से। पाक का बड़ा करम है आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई आपकी ट्रांसमिशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और मेरे घर वाले स्पेशली अफतार के वक्त आप यकीन करें रोजा जो है ना आपकी ट्रांसमिशन पे खोलते हैं अरे यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और पैदल भाई तमाम जितने भी मुख्तार बैठे हैं मेरा उनको सलाम कीजिएगा और मैं एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ जी पैदल भाई बहुत जगहों पे कुरान में भी आया है और मैंने ऐसा सुना भी है कि बच्चों को कितना करार दिया गया है जी जी सवाल हो गया आप लेट हो गए अच्छा ये सवाल हो गया जरा थोड़ा सा आप पे देख लीजिएगा साहब ने बात की है ना जी इसी में एक नुक्ते का इजाफा करूं अगर आप इजाज़त दें देखें आम तौर पर हम अपनी इबादत में तमाम यहाँ पर रुमा कराम हाजिर हैं और इस बात की गवाही देते हैं आपके लिबास में अगर एक सिक्के से कम नजासत हो तो उसको कहा गया है कि इसके साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं ठीक है फ़िक्री तौर पर एक लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो तो उस लिबास के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक उस खून को नजस खून को आप पाक नहीं करते ऐसा ही है ये ज़ाहरी इबादत में इतनी पाबंदी क्यों है क्या रूह की कीमत इस ज़ाहरी बदन से ज्यादा नहीं है वो जो रूह की आप बात करते हैं जब हम बात करते हैं उसको लोग सरसरी ले, ले लेते हैं बदन के मसले को फौरी तौर पर उसको अहमियत देते हैं अगर आपसे कहा जाए भाई ये जो खाना आप खा रहे हैं इसमें आपके लिए फलान आइटम नुकसानदे आप ना खाएं आप फौरन हाथ रोक लेते हैं क्यों बदन को नुकसान है बिल्कुल हो सकता है ये बदन का नुकसान 20 साल बाद सामने आए लेकिन अभी आप हाथ रोक रहे होते हैं लेकिन वो जो आपके बातनी मसाइल हैं जिसका ताल्लुक आपकी रूह से है और उसमें आपका एक एक छोटे से छोटा काम भी आपकी रूह की उस तरक्की में और ऊपर जाने के उस सफर में रिकावट है वहां पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते इसलिए ये जो हराम है ना हराम इसका ताल्लुक इंसान की रूह से है कम है लिहाजा लिहाजा हर वो चीज जो इंसान की उस मानवी तरक्की में रिकावट है उसको आप दूर करते चले जाएंगे तो बच्चा खुद बहुत पागो पागीदा होता चला जाएगा। सुबह अल्लाह छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं अनमोल ने के साथ। आपके खिलाफ अल्लाम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद और मैं मोहम्मद अली शाह साहब को थोड़ा थोड़ा छेड़ता रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है लेकिन चलें जी अनमोल नेकी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त मुस्तफा सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी से यहाँ पे एक बहन हमारी मौजूद है उनके साथ उनके हस्बैंड भी हैं और दो बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वैसे तो चार बच्चे हैं लेकिन इस वक्त यहाँ पे दो बच्चे मौजूद हैं चारों बच्चे नाबीना ना हैं जी आंखों से देख नहीं सकते डॉक्टर्स को चेक करवाया तो पता ये चला है कि कुछ वैस्कुलर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आ, जिसकी वजह से आ, ये बच्चे जो हैं ये इनकी नज़र जो है वो वीक हो गई है तो एक चांस लिया जा सकता है और वो चांस ये है कि अगर वो ऑपरेट कर दिया जाए तो ये बच्चे शायद देख सकते हैं और ये बच्चे अगर देख लेंगे तो ऑब्वियसली जिस वजह से भी देखेंगे आप यकीन करें जिनकी वजह से भी देखेंगे तो कितनी दुआएं इन बच्चों के अस्सलाम वालेकुम भाई क्या नाम है आपका शौकत शौकत अजीज़ आप खड्डी का काम करते हैं थी होती है ना जी जी बिल्कुल वो काम करता मैं वो करते हैं और महीने का कितना आप कमाते होंगे पैसे रोज का सात सौ रुपए का काम होता है अच्छा रोज का सात सौ रुपए का, का काम है जितना काम है अगर वो किया तो सात सौ रुपए वरना कम भी हो सकते हैं सात सौ रुपए रोज के और माशाल्लाह से चार बच्चे हैं आपके मेरे मेरे सात बच्चे हैं अच्छा माशाल्लाह लड़कियां हैं पांच लड़के हैं सर माशाल्लाह चार लड़के जिसमें से नाबीना है सात सौ रुपये महाना यानी सात सात चौदह सात इक्कीस ठीक है इक्कीस हजार में सात बच्चे माशाल्लाह इक्कीस हज़ार भी जब जब तीस दिन दिहाड़ी तीस दिन दिहाड़ी लगे आजकल तो हालात ऐसे हैं कि अभी बता रहे थे इस महीने में पंद्रह दिन काम नहीं मिला अच्छा मतलब आप बायदा नौकरी पे नहीं है ये दिहाड़ी का काम है ठीक है खैर छोड़ें मैं कहीं और निकल जाऊंगा मुझे आगे तो बकवास कर ये आगा खान में चेक करवाया आप लोगों ने ंगी ढाई नंबर में सर चेक करवाया था इनको अच्छा उन्होंने इसको इनको चेक करवाया था बरकत को उन्होंने इसको चेक करने के बाद जो है बोलने लगे कि भाई इनकी जो पिक्चर ट्यूब है डैमेज हो गई है अच्छा जगह जगह आसान लफ्ज़ है पिक्चर ट्यूब हाँ सही है जगह जगह से डैमेज हो गई है इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है अगर कोई इलाज करना चाहता तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा बरए मेहरबानी अगर कुदरत सही कर दे तो ये सही हो सकता है ठीक है जैसे कोई भी तो इनको हर जगह पे चेकअप करवाया लेकिन कोई मसला नहीं हुआ था। ठीक है, चारों का यही मसला है चारों चारों को। चारों का। ठीक है तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ना करवाए कुछ भी नहीं हो सकता आप क्या कहते है तो वहाँ पे दिखाया उन्होंने माजरत कर ली कि इसका कोई इलाज नहीं है मगर इनकी वालदा पुरीद है इन्होंने भी किसी को दिखाया है तो वो डॉक्टर जिनको दिखाया वो बताते हैं कि इनका इलाज हो सकता है ठीक है तो अब ये है कि पैदा हैं तो बच्चे पैदाइशी तौर तो पर ये मसला है अच्छा मगर इनकी वालदा को किसी डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज हो सकता है तो अब यह है कि अगर इनका चार बच्चे हैं सात में से चार बच्चे हैं और चारों बच्चे जो हैं ना, ना।, ना बाकी दोनों बेटियाँ सही हैं और एक बेटा भी सही है दोनों बहन वालेकुम माइक ज़रा बहन करीब कीजिएगा जी अब आप बताइए आप क्या चाह रही हैं चा, मैं चाहती हूँ कि चारों बच्चों का इलाज होना चाहिए अच्छा बस और कुछ नहीं एक चांस आप लेना चाहती हैं जी अल्लाह करे कि देखिए कई दफ़ा दुआओं से तो रस्ते बदल जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है तो क्यों नहीं तो ये भाई आ, ये हम कोशिश कर रहे हैं ये चार बच्चों के लिए आ, ये हमारी अलमुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है जी आ, इनके नंबर्स हम आपको बार बार दिखाते हैं आज नहीं तो कल या कोई और मेरा ऐसा भाई आ, जो आई स्पेशलिस्ट हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट कर लें हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे आप देखते हुए किसी आपका कोई जानने वाला हो जो आई स्पेशलिस्ट हो या आप कहें कि जी मैं ऑपरेट करवा के दे सकता हूँ या जैसे भी आपको समझ आता है किसी जानने वाले आपका कोई जानने वाला है उनको आप फ़ोन करके बताएं जी इस तरह से बोल टी वी हमने एक प्रोग्राम देखा था उसमें ये ये नंबर है उसमें वो बच्चे आए थे जो देख नहीं सकते उनका ऑपरेशन होना है तो आप अपने जानने वालों से बात कर लें या कोई आप इस वक्त अल्लाह का बंदा हमें देख रहा हो उसके दिल में ये बात आए कि जनाब हम हेल्प आउट करना चाह रहे हैं तो देखें वो माशाल्लाह से इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं मुशक्क़त कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को ले चल सकें तो अगर ये बच्चे देखने के काबिल हो जाएंगे तो सच्ची बात यह है कि ये अपने बाप को हेल्प आउट करेंगे इस उम्र में आ, मेरे ख़्याल से अब इनको आराम करना चाहिए जिस उम्र में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि किसी अल्लाह के बंदे को ये ये बात आए ऐसा इसमें ऐड करूं कि अलहमदिल्ला ये फैमिली हमारे पास 2014 से हमारे पास रजिस्टर्ड है कफालत में मुस्तफ़ी वेलफेयर सोसाइटी की कफालत प्रोग्राम के तहत इनकी कफालत तो हो रही है मगर आप जैसे समझ सकते हैं कि आपने पूरे महीने की कैलकुलेशन की तो इक्कीस हज़ार का हिसाब पंद्रह था उसमें भी इनको पता है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा नौ फैमिली नौ दस लोग हैं फैमिली में जिनकी कफालत करनी है और उसमें ये किराए के घर पर रहते हैं जिसका पंद्रह हज़ार रुपये किराया था है और अब पंद्रह हज़ार रुपये था मुश्किल से कमाते होंगे कि वो किराए में चले जाता है बाकी बच्चे कुछ नहीं करते बाकी लड़का सबसे छोटा है जी सर एक जो जो नहीं है बच्चा वो छोटा है ठीक है तो अच्छा इतफाक से ये, इनका जो बेटा है, नाम है इनका। ये और इनका सलमान है।, अच्छा। है और एक दो बच्चिया इनकी और माशाल्लाह की शादी कर दी है अच्छा शादियाँ शादियाँ कर दी है पांच बच्चे हैं जिसमें से चार नाबीना है अब ये है कि एक तो पहली तो खास तौर पे इन दोनों की कि इनके बच्चों का इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए पूरी हाँ, हाँ, तो खैर कर ही रहे हैं ये, इनके लिए लेकिन ये बड़ा जरूरी है भाई बहुत जरूरी है इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल होता है कई दफा ना कुछ लोग देख नहीं रहे होते और कुछ मतलब कुछ रेलेटिव देख रहे होते हैं कोई ऐसा बंदा देख रहा होता है तो बात आगे ऐसी बातें ना आगे पहुंचा दिया करें अभी स्क्रीन शॉट ले लें ये देखें डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अलमुस्तफ़ा डॉट पी के है जी जी इसके आप पिक्चर ले लें ये नंबर आ रहा है इसकी तस्वीर ले लें ये तस्वीर लेके आगे भेज देंगे यार ये बच्चे हैं आप अगर खुद करवाना चाह रहे हैं खुद करवा लें आप ना दें अलमुस्तफ़ा वालों को पैसे भाई जी आप खुद ये सही है ना बिल्कुल बिल्कुल आप खुद करवा लें आप कहती हम खुद करवा लेंगे तो प्लीज आप आप आगे बढ़ें और इस तरह से हेल्प आउट करना बहुत जरूरी है इन दिनों में और इन दिनों में क्या वैसे तो पूरा साल ही करते रहना चाहिए लेकिन रमजान में मैंने सुना है शाह साहब की ये ये और ज्यादा वो है ज़्यादा और अजर मिलता है ना और दूसरी बात ये फैसल साहब ये अमल जो है अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है बिल्कुल रसूल अक्रम सब आए कह लगे कौन सा आदमी अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूबालम ला जिससे लोगों को ज्यादा फ़ायदा फिर पूछा गया अयल अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा बड़े अमाल किस को मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सरूर आलामसल किसी मुसलमान को खुशी दे, दे। और एक हदीस में तो ये है कि जिसने किसी मुसलमान को खुशी दी लाद ला जन्ना अल्लाह जन्नत के अलावा और कुछ राजी नहीं होगा ये, ये सदका जारिया, जारिया, जारिया है ऐसा अमल है जो अल्लाह को बड़ा ही है बिल्कुल बिल्कुल आप इसके सब रहे हैं जो लोग इस पर अमल करेंगे अल्लाह उनको बेहद अजर ताफरमायेगा फरी वो कहते हैं हर खुदा पानी पिए पावे कोई आब हयात हुए। हर फकीर करिए हयात साहब फैसल भाई ये बहुत सारे दफा मायूसी होती है बाद दफ़ा इंसान कहता है कि यार अल्लाह तला को मैं ही मिला था कि उसने मेरी आंखें मुझसे ले ली तो अदीज़ शरीफ में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब अल्लाह वादाला शरीक किसी से हबीब तैन लेता है हबीब तैन से मुराद है दो प्यारी चीज़ें और इसकी शरह में मदसिन लिखते हैं इससे मुराद आँखें क्योंकि इसकी ताइद एक और अदीस करती है कि जिससे अल्लाह ताली दो आँखें ले लेता है तो उसके बदले में उसके लिए पहले जन्नत लिख देता है अल्लाह अकबर तो अल्ला दूसरी एक अदीसे रात को एक चीज़ हम वक्त नहीं था कि मैं उस पर अर्ज़ करता मेरे ख्याल में अगर हम लोग ये समझें ना कि कई लोग कहते हैं जी कि दीन में मुशक्क़त है दीन में परेशानी है या हम दीन के रास्ते पे चलेंगे तो हमें मुसीबत आएगी या हलाल खाएंगे जी तो परेशानी होगी है <coughs> नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदे मोमिन को क़यामत वाले दिन खैर भलाई और नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नत की अता करनी है अगर वो पूरी ज़िंदगी बल्कि सुबह कयामत तक इस तरह से मुसीबत में वो मुब्तला हो कि उसके जिस्म में कीड़े पड़े हों और वो हर वक्त दर्द में कर, आ, करा रहा हो तो जब वो अल्लाह की तरफ से मिली हुई वो नेमतें वो देखेगा तो कहेगा वो तो कुछ भी नहीं था और फरमाया जब काफिर को और बदबक को कयामत को जो अजाब मिलने वाला है अगर वो उस तरह की खुशियां के जो किसी आंख ने देखी ना हो किसी कान ने सुनी ना हो वो कयामत तक उसको जिंदगी मिल जाए और ये पूरी जिंदगी उन खुशियों में अंदर गुजारे तो जो क्यामत को उसको अजाब मिलने वाला है वो कहेगा मुझे मैंने तो कोई खुशी देखी ही नहीं बेशक तो इसलिए मुसलमान को अगर दुख मिले तो वो उस पर भी राजी बेशक और बेश्य। अगर उसको कोई वो जैसे वो बता रहे थे या एक वेलफेयर के वाले से हमें ये भी एक चीज़ मिलती है कई दफ़ा जैसे आप कहते हैं ना हम बात करते हैं मैं बात करता हूँ कहते हैं यार ये क्या कह गया असल में हम लोगों ने दीन को सिर्फ मदद कर दिए दाढ़ी में पगड़ी में मसल में तस्वीर में वाह है ये मौलवी ये ये ये, ये दीनदार है नबी पाक की बुखारी बुखारिश के अंदर है ने अमाल अल्लाह को जो काम सबसे ज्यादा पसंद है ना उनमें से एक है लोगों को खाना खिलाना अल्लाह अकबर तो अब ये सारी चीज़ें ये दीन के अंदर ये सब कुछ मौजूद है बिल्कुल लेकिन हम यहाँ पर सिवाय चंद चीज़ों के ना हम लोग ना कोई सीखना चाहते और ना हम सिखाना चाहते जी भाई आखिर में कुछ कहना हैं मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपने खुद ही देखा कि इनके वाले साहब ने एक मैसेज दिया वालदा की उम्मीदें कुछ और हैं तो ये आपने जैसे कहा ना कि आप किसी आई, आई स्पेशलिस्ट को जानते हैं तो शायद इसका पाकिस्तान में कोई इलाज ना हो मगर ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर से बिल्कुल वेलफेयर परपजेज़ के लिए आते हैं कुछ दिनों के लिए और केसेस आइडेंटिफाई हुए हुए होते हैं और ऐसे केसेस को वो आगे ट्रीट करते हैं सर्जरी की जरूरत होती है जो भी ज़रूरत होती है वो करते हैं तो आपके चैनल का तो बहरा पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है तो पाकिस्तान से बाहर भी अगर लोग जो ये सुन रहे हैं वो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को ऐसे सर्जन्स को जानते हैं जो इस चीज़ का इलाज वो कर सकते हैं तो वह हमसे ज़रूर राबता करें हम इनको कनेक्ट कर देंगे उनसे ताकि इनका कोई इलाज हो सके इनका मसला अ, है बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कनाडा और अमेरिका से बहुत सारे मैसेजेस हैं अल्लाह करे कि हमारा ये शो वो जब देखेंगे क्योंकि इस वक्त तो वहाँ शहरी का वक्त नहीं होगा आ, लेकिन जब भी वो देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें आ, मेरा ये अनमोल नेकी का सेगमेंट यह ख़त्म हो रहा है मैं वापस आता हूँ मुझे फिर उलमाए कराम से वापस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं कहीं ना जाएंगे अल्लाह सुबहान अल्लाह उसामा हुसैन कुरैशी हमारे सीजन थ्री यानी कि जब से मैंने ज्वाइन किया उसके पिछले साल के ये हमारे स्टार नाथ खां के विनर हैं और माशाल्लाह से उसामा बहुत और ग्रूम किया है आपने माशाल्लाह और ग्रूम किया है आपने अल्लाह ताला ने और आपको तकबीत दे दी है और आपकी आवाज़ में पुख्तगी आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी भर कामयाब रखे बहुत खुशी होती है बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम औलाद की परवरिश के हवाले से बात कर रहे थे वालदेन के ऊपर हमने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था और प्रेशर होता भी है बिकॉज आप माशरे आप सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं करते हैं। आप आप माशरे को एक इंसान देते हैं सो wow, wow. so ये सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट बात है आप सिर्फ बच्चा पैदा अपने लिए नहीं कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है हो सकता है वो आने वाले वक्त में वज़ी अजम बने सदर बने वजीर बने और या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए बहुत बड़ा मुफ्ती बने आ, या किसी लेवल पे चला जाए और इस्लाम को पूरी दुनिया में जो है वो लेके कर चले सो ये हकीकत मैं, अच्छा आप को अच्छा शाह साहब की वो वाली बात पर आप अभी तक पसए हैं तो मैं कह रहा था कि मुफ्ती का नाम लिए अल्लाह ताला तला ऐसे मुफ्ती हैं कि जो मुफ्तियों के उस पर भी दबे अल्लाह ऐसे मुफ्तियों ना ही बने तो बेहतर है लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इंसान बनने की दुआ बिल्कुल बिल्कुल कोशिश लेकिन जब अबू मोहम्मद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ये लिमिट सिर्फ पेरेंट्स के लिए है या ओबियसली आपके बाकी रिश्तेदार हैं आपके मोहल्लेदार हैं आपके इस कराम हैं जिन पे ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है बिकॉज़ ज़्यादातर बच्चे वक्त जो है, वो चाहे आप मदरसे में गुजारें या आप स्कूल में गुजारें आपका वहाँ पे बहुत वक्त गुज़रता है ये हकीकत है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत फॉलो करते हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन कई दफ़ा कुछ बच्चों के जो हीरोज़ हैं वो उनके टीचर्स होते हैं आया कि वो इस्लामी तालीमत उनको दे रहे हैं या दुनियावी तालीमा दे रहे हैं सो so ये बहुत डिपेंड करता है भाई मोहल्ले में कोई एक साहब होते हैं जो आपके बड़े आइडियल जिनको आप करते हैं तो आइडियलाइज़ करते हैं उनको आप तो ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा सा इस पर मैं इंतहाई अख्तसार के साथ एक बात वालदान से और एक साथराम से अर्ज करना चाहता हूँ देखिए आज कोई भी माँ बाप हैं वो मार्केट जब अपने बच्चों को ले जाते हैं तो वो अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छी चीज़ ब्रांड की चीज़ उन्हें लेकर दें बिल्कुल परचेज़ करके दें ठीक है जी वो जितना मर्ज़ी वो ग़रीब हम देखिए एक माँ को हमने देखा कि वो माँ इस्तात नहीं है शोहर की लेकिन वो अपने चारों बच्चों का इलाज करवाना चाहती है वाह ठीक है मेरा सवाल ये है कि आप जब अपने बच्चे को किसी इदारे में डालते हैं तो उस वक्त उस ब्रांड को चेक क्यों नहीं करते कि यहाँ अंदर हो क्या रहा है सारे तलीमी इदारे भी ठीक नहीं हैं तो आप मदारस को उनको भी चेक करें आप कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को भी चेक करें एक बात दूसरी बात जहाँ तक वालदे का ताल्लुक है तो वालदे की आजकल सूरत हाल ये है कि वो घर में भी जाकर बहुत ज़्यादा वक़्त जो है वो मोबाइल शरीफ को देते हैं ठीक है इस शरीफ को जनाब होना अगर हम घर में जाकर मोबाइल ऑफ कर दें बीवी भी और शौहर भी ये दोनों मोबाइल ऑफ करके रख दें वो वक़्त बच्चों को दे दें तो मेरे ख़्याल में ये अपनी औलाद पे हर माँ बाप का एहसान होगा बिल्कुल घंटों के हिसाब से माँ भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही है बाप भी कर रहा है बच्चों का को कोई पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चे दस दस पंद्रह पंद्रह साल के बच्चे जब गाड़ियाँ ले निकलते हैं तो वो फिर क्या करते हैं वो यहाँ बताने वाली सूरत हाल नहीं है एक बात इसक्राम के वाले से मैं एक एग्ज़ैम्पल दे के बात करना चाहूँगा आप सबकी इजाज़त से मैं मौरतानिया मेरा जाना हुआ तो वहाँ मैं दुबई के सरकारी लजना में, में था जिस स्कूल में कॉलेज में हम मदरसे में पहुँचे तो उस स्कूल के दफ्तर में अरबी में एक इबारत लिखी हुई थी वो तो इबारत क्या थी कि जिस उस्ताद मोहतरम की तबीयत इतनी ख़राब हो कि वो बच्चे से मुस्करा के बात ना कर सके है 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 है। उस दिन वो छुट्टी करें उनकी तनहा नहीं काटी जाए बहुत बार सब कुछ रवियों से निकल रहा है रविये मेमोरी डेवलप करते हैं ट्रू ठीक हो थी? थी? तो अपने हम रविये ठीक करें मैंने अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़े हमारे शहर का कॉलेज है मैंने उसमें ये बात कही बच्चों से मैंने कहा देखिए जी बच्चे बहुत असर उस्ताद का लेते हैं और उस इक्राम की वर्कशॉप थी तो मैंने कहा जितने इक्राम आप यहाँ बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उस्ताद होंगे मेरी ज़िंदगी में मैंने चवन उस से पढ़ा है नूरानी कायदे से लेकर मेट्रक तक दौरे हदीस तक मेरी ज़िंदगी के चवन उसक कराम हैं अब चवन उसक कराम में बाज़ उस ऐसे होते हैं कि वो बंदे को बहुत अच्छे लगते हैं हाँ और बाज़ ऐसे होते हैं कि बंदे को चेड़ हो जाती है उनसे ठीक हो जी वो मार कुटाई को कोई भी वजह हो सकती है मैंने कहा आप जितने इसक्राम बैठे हैं पाँच सौ सजह कराम बैठे थे मैंने कहा आप तीन तीन का नाम लिख लें कि आपको तीन अच्छे कौन से हैं तीन बुरे कौन से हैं सिर्फ दिल में लिख लें किसी को बताएं ना मैंने कहा जी जहन में आ गए कहते हैं जी सब ने हाथ खड़ा कर दिया जहन में आ गए मैंने कहा अब आप ये बताएं कि आप इनमें से कौन से तीन बनना पसंद करेंगे हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों लेकिन हम ये देखें कि हम उस्ताद कितने अच्छे हदीस याद आ गई नवेद साहब कि तरबियत जो अमली चीज है ये नसीहत की चीज नहीं कि हम नसीहतें करते रहे अमली तौर हदीस में है कि एक दफ़ा हज़रत हसर रजील्ला होने सदकी के खजूरों में से खजूर खा ली रसूल अक्रम ससर फल कह कह बाहर निकालो बाहर निकालो अल्लाम तला तालम अन्न सदका ला ले आले मोहम्मद ले मोहम्मद आले सदका हमारे लिए खाना जायज नहीं है जब देखे आप रसूल अक्रम ससर में देखा कि सदके को आपने उनके मुँह से निकलवा दी ये तरबियत है इसी तरह एक दबी के भी से खाना खा रहे थे एक बच्चा आया बच्चा आकर वो ना ऐसे खाना खा रहा यहाँ जीचा था उठा लेता या नबी के उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया या बुरैया कुल मायली जो तेरे सामने वो खाओ ये तरबियत है कि हम औलाद को टोके और उनकी रहनमाई करें बिल्कुल समीर और जो गलत बात कर रहे हैं जैसे फरमा रहे ये जैसे ये मोबाइल है इस सिलसिले में माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि उस पर पाबंदी लगाएं और अब ये देखें कि मेरे बच्चे हमारी औलाद इससे मुतासर हो रही है उसके लिए वो उस सोचें कि हम इसका कैसे मुताब मैं एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने अजीब बात है कि उसने लिखा है यू एन यू की तरफ से जो तो रिपोर्ट थी कि इसराइल में एक सौ तीस कंपनियाँ हैं उस दो तीन चार साल पहले की बात तीन एक सौ तीन कंपनियाँ इंटरनेट की जो कि तीन मुल्कों में नंगी तस्वीर भेजती मैं चौबीस घंटे भेज रही हूँ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये तीस हर रोज जो ये एक हर सौ तीस कंपनियाँ जिनका काम ही है इन मुल्कों में ये गंदी तस्वीर भेजना और आप अंदाजा कीजिए अगर बच्चा वो गलत खोलना चाह रहा है जैसे नंगी तस्वीर की फौरन खुल जाएगी अगर कोई इलमी खोलना चाह रहा है वो बड़ी देर लगाएगी इंसान उठ कर चला जाएगी तो ये हमारे खिलाफ़ साजिश हो रही है हमारी औलादों को ख़राब कर अब इसका नतीजा ये क्या हुआ आज कल ज़्यादा तलाकें जो है इसी वजह से हो रही देखिए जब इंसान नौजवान एक नंगी तस्वीर देखे उसके अंदर जिनसी हिजान पैदा होगा जब जिनसी हिजान पैदा होगा वो आटोमेटिकली उसके अंदर जिनसी कमजोरी पैदा चली होती चली जाएगी है एक वक्त आएगा जब शादी करो बीवी के काबिल नहीं रहता अक्सर और तो बच्चियों की शादी हुई तलाक लेकर घर आ गई इसमें तो सलाहियत ही नहीं शादी करते हैं तो बहुत बड़ा शादी करते हैं औलाद के लिए यह औलाद कर पैदा करने के काबिल नहीं तो हमारा माशरे को ये तुम तबाह करने पर तुले हुए हमको चाहिए कि हम सब इसके सामने इसमें पलाई दीवार बन जाए इसको रोके अपने औलादों की हिफाजत करें जी आप नवीद साहब मैं फिर आ रहा हूँ खत्म करें भाई एक तो गुजारिश ये कि इस मौजू पर बाकायदा ये जो इंटरनेट का इस्तेमाल है इसको कैसे होना चाहिए वो कैसे करते हैं उनके आप बच्चों के लिए कैसे होना चाहिए देखिए बिल्कुल है जुम्बश कलम यक जुम्बश कलम ये कह देना कि मोबाइल ही ना दो तो ये तो ज्यादती वाली बात है आज के इस दौर में वो कहीं पे भी जाके देख सकता आप नई पाबंदी लगा सकते एक तो अच्छी तरबियत है उसके इस्तेमाल का तरीका है ये कैसे होना चाहिए इसका क्या सही तरीका को कार सही है? सही को को और गलत को गलत मैं, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि इस पे आप बाकायदा पूरा प्रोग्राम रखें जी रखा पूरा जो है ना वो उस पर यकीन आपने रखा होगा लेकिन उसमें पूरा जो है ना वो लामाई कराम को सवाल दिए जाए पहले से बाकायदा उस पर तैयारी के साथ गुफ्तु हो ताकि हम कौम की इस बाब में रहनमई कर सकें। रह गया जैसे प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे हजरत भी फरमा रहे थे तो गुजारिश फिर वहीं पर है कि तरबियत की सिर्फ़ औलाद को ज़रूरत नहीं है माँ बाप को भी जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत अरे तो इस वक्त जो है ना वो तरबियत की ज़रूरत है तरबियत के मराइल तरबियत के मरल से आदमी सीखता है चीज़ें सीखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे मैं उस दिन भी जो बात कर रहा था देखिए अभी एक चलता फिरता केस हमारे सामने आया आप मैं उस वक्त बात नहीं कर रहा था लेकिन हकीकत यही है कि इक्कीस हज़ार रुपये तनख्वाह होते हुए आपने माशाल्लाह सात बच्चे पैदा किए हैं तो किसको क्या तालीम गई होगी ठीक है कि क्या, क्या परवरिश देखें ज़हन होना भी बहुत ज़रूरी है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहन होने के लिए अच्छी खुराक होना ज़रूरी है अच्छी खुराक होने के लिए आपके पास ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहते हैं आप सेहतमंद जिंदगी देना चाहते हैं पहले तो अपना सेहतमंद होना तो चली जाती है, हाँ। कि ये है? आज कल जो मुफ्त में आटा मिल रहा है अच्छा वो ये, गरीब, को वो ये जो गरीब बच्चे हैं ये तो वही खरीद के खाएंगे अब इसमें कसूर किसका है ले दे के बाद देखे पूरी सोसाइटी हमारी खोखली हो चुकी है यहाँ पर वजीर आजम सदर ममलिकत को आपके तमाम जो जज साहिबान मैं कह रहा हूं पैमरा कोई नोटिस नहीं लेगा सबको तरबियत की जरूरत है बिल्कुल क्योंकि तरबियती मरायल से इनको गुजारना पड़ेगा तब जाकर कुछ बात अब आप देखिए ना वो खुद तो आला किस्म का पानी पी रहे हैं यानी वो पानी जो उनके टेबल पर रख रखा होता है जी जी नॉर्वे से आ रहा है ना अब वो कितने डॉलर का होता हो है और मैं और आप चलो हमें तो यहां ये पानी मुयसर आ रहा है मैं कंपनी का नाम नहीं लेता इन्होंने ऊपर से ही हटा दिया है ताकि उसकी तशहर ना हो लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि जो पानी सिंध में या पंजाब में ये जो हमारे ट्राइबल एरिया में पिया जा रहा है वो गंदा तरीन पानी है आप उसको देख कर जो है ना वो काला पानी काला। और वो पता क्या करते हैं वो रात को भर के रखते हैं सुबह मिट्टी बैठ जाए मिट्टी बैठती है तो वो पीते हैं आप वो एक बच्चा भी होगा ना जिसका एक सिंगल बच्चा भी होगा तो सिंगल बच्चे वाला भी बाप वही पानी पी रहा है बच्चा भी वही पानी पी रहा है दस होंगे तो वही पियेंगे इसमें कसूर किसका है मैंने पहले कहा फिर कहता हूं सिस्ट्र। इस निज़ाम को उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है इनकलाब की ज़रूरत है, है। पे जी एक छोटी सी गुजार आज चूंकि हम यहाँ पे एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं और आज बड़ा कल जो है ना वो दर्दनाक हादसा पेश आया है हम सब की तरफ से एक मजम्मती बयान जाना चाहिए त्रिंडा मोहम्मद पनाह के अंदर ये पंजाब का इलाका है आटा तकसीम करने के नाम पर लाइनें लगवाई गई बग दगड़ मचे जैसे उठा उठा फेंका और हुआ यह है हुआ यह है, है अफसोसनाक बात यह है कि एक खातून आटे के 20 किलो के थैले के चक्कर में और एक बूढ़ा बाप जिसकी मरने के बाद भी आंखें खुली हुई हैं और वो आटे की बोरी पे लगी हुई हैं डेथ हो गई उसकी वो दो मैतें वहाँ पड़ी हुई हैं और उनके साथ इससे बदतरीन मजाक ये हुआ कि उनकी तस्वीरें निकालने के लिए उनकी मैतों के पास आटा रखा गया ये कल की बात इस चीज की मजम्मत करें इस मुल्क था। के अंदर नहीं धोआता मारो नहीं लाइने ला लगवाओ तजलील ना करो यार वो किसी की इज्जत है नहीं नहीं एक जगह पे तो ये हुआ है कि उन्होंने ला के ट्रक खड़ा किया और ऐसे ऐसे बोरियाँ फेंक रहे हैं उठा उठा कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए उस चक्कर में यार यहाँ पे फैसल कुरेशीजा मैं फिर ये कहूंगा कि यहाँ पर आपके यहाँ पोलियो पैलाने वाला घर घर पहुंच सकता है इस वक्त जो आपके मुर्दम शुमारी करने वाला है वो घर घर पहुंच सकता है सब घर पता है, है सियासत के नाम पर क्यों है तो करनी है ना के भाई कर रहे हैं जो है ना वो घर घर जा आपका सिर्फ कराची एक कमिश्नर सात डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन आने वाले मुफ्ती साहब से ये बात रहा था कहने दें ना कि अगर आप किसी वक्त जिस तरह आप उस दिन डेटा निकाल रहे थे ना मोटर का तो मैं आपको एक डेटा निकाल के दिखाऊंगा कि कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ और इनकी मुराहत और इनकी तनख्वाहें और इनके जो अखराजात हैं ये कौम को सालाना कई अरब नहीं कई खरब में पड़ रहे हैं ये बिल्कुल और ये खरबों में जो कौम को पढ़ रहे हैं उससे कौम को मिल क्या रहा है तो असल तो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार ये अशराफिया है आज अगर कोई छोटा सा किसी मदरसे में मामला हो जाए तो उसको लेकर पूरे आ, सर पे उठा लिए जाते हर चीज को लेकिन सवाल ये कि जो सरेआम ये अशराफिया जो इस मुल्क को लूट रहा है तबाही की तरफ लेकर गए यहां सारे का सावा आवे कावा जिसे कहते ना बिगड़ा हुआ है सब मिले हुए हैं और मुड़ तोड़ के ना ये ये जो मिडिल क्लास है इसकी कोई हैसीयत नहीं है इस मुल्क में असल तो वो अशराफिया यह है कि जिन्होंने कब्जा किए हुए इस मुल्क पे और मैं फिर एक बात कहूंगा कि डॉक्टर कादरी साहब से आप हजार इख्तलाफ कर सकते हैं कि अखलाकी अपना मसलकी वाले से मजहबी लेकिन जो उस बंदे ने एक वीन दिया है मैं उसकी फिर बात करूंगा कि इस निजाम के होते हुए आप कुछ नहीं कर सकते इमरान खान क्या इमरान खान की आगे नस्लें भी कुछ नहीं कर सकती एक इमरान खान क्या आप एक हजार इमरान खान ले आए एक हजार एनर्जेटिक लोगों को लेके आ जाए ना आप इस मौ... इस सिस्टम के अंदर जब तक आप इस निजाम के अंदर हैं उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते चेहरे बदलेंगे फिर वापस आकर वही चीज आ जाएगी वही निजाम पर मुसलत होगा तो पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरियत जब तक नहीं आती मैं लफ्ज बोल रहा हूं पाकिस्तान में जब तक इस्लामी जमहूरियत नहीं आती है उस वक्त तक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला मैं तो भाई बात कर रहा हूँ सर देखिए असल बुनियादी ये भी है कि हम 20 करोड़ को राशन देना चाह रहे हैं हम लोगों को भिखौरी नहीं बनाए भाई दस लाख को आप रोजगार दे दे जरूरी आप बीस करोड़ को आप भिखारी बनाए नहीं नहीं नहीं, यही तो नहीं करो आप रोजगार हमने मछली आपका मौजू मौजूद मौजू पर रहते हैं मौजूद आपका मौजू आपका तरबियत पे ये बहुत अच्छा है देखिए मदरसा हो या स्कूल जहाँ से अगर अदालत में कोई जज मुतकी परहेजगार साहिब ईमान बैठा है खुदा की कसम वो रहमत है अगर कोई अफसर जिसकी तरबियत हुई हुई है आज देखिये हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान है और कुरान का नूर उनके सीने में है मुझे उम्मीद है इनशाला क्योंकि कुरान का नूर उनके सीने में है और उनकी तरबियत एक मदरसे से हुई है आप देखिएगा इन शाला पाकिस्तान के लिए रहमत बनेंगे और हमें अपने इधारों से अच्छी उम्मीद में रखनी चाहिए हमें अपने इधारों से अच्छी उम्मीद भी रखनी चाहिए जी मदरसे से नहीं हुए चले कुरान तो हुए एक ये तो नेहमत की बात है हमें अपने इदारों पर दुख्ता चीनी करने के बजाय जो अच्छी चीज़ें हाँ उनको भी उन पर बात भी करनी चाहिए सर असल ये मदरसा हो या स्कूल इस मदरसे और स्कूल ने जो हमें अच्छे लोग दिए जहाँ तरबियत अच्छी हुई है सर वहाँ फिर आपकी कौम में अच्छे लोग भी पैदा हुए हैं इलामा इकबाल भी किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से पढ़े तरबियत गांव हुई होंगी तो असल ये है तरबियत स्कूल से भी है तरबियत मदरसे से भी है और घर अगर से अच्छी तरब घर से भी है अगर तरबियत अच्छी होगी तो सर फिर हमें फिर जो है इनशाला मोहम्मद महमूद गजमी जैसे सिपा सालार मिलेंगे तरबियत अच्छी होगी फिर हमें मोहम्मद बिन कासिम मिलेंगे मसला ये है कि बच्चे की पहली तरबियत का माँ की गोद है माँ की माँ और बाप से लेकर स्कूल और मदरसे लेकर अगर तरबियत अच्छी होगी तो इनशाला पाकिस्तान इस्लाम का किला है आने वाला वक्त इनशाला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है अच्छी उम्मीद पैदा करें मायूस नहीं आपने सारी बातें सुनी है इसको रैप अप करते हैं ठीक एक दाम किए जाए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें खुद अपने इस माहौल में एक डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए ठीक सब है सबसे पहले भांत भात की बोलियां नहीं एक मौजू जब है तो उस मौजू पर ही इतने उसके जेली है। मौजूद हैं पहलो हैं और इतहाई अहम है कि उनको हम कर देते हैं फिर कभी हम चले जाते हैं सियासत पे कभी चले जाते हैं बेरोक्रेसी पे कभी चले जाते हैं निज़ाम पर कभी चले जाते हैं मीषत पर भाई फिर उस मौजू का हक तो अदा नहीं होता ठीक है इसलिए मेरा ख्याल सबसे पहले इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए कि जो मौजू है उसका हम कोशिश करें जितना हमारे बस में है हक अदा करें इस वक्त यहां पर हर हवाले से बात हुई ने भी बड़ी खूबसूरत बात की बाकी दोस्तों ने भी एक बात तो कम अज कम सब के दरमियान मुश्तर है जब तक इस तरह का निज़ाम मौजूद है जिसमें कवानी गरीब के लिए और हैं अमीर के लिए और हैं इस मुल्क में कभी भी फलाह का तस्वर आप नहीं कर सकते सोच so ये नतीजा है तमाम तर बातों का सोच so एक दूसरा जब तक आप तबकती निजाम को कानून के शेल्टर में आइन के शेल्टर में प्रोमोट करते रहेंगे इस मुल्क ने हर गुजरते दिन के साथ तबाही की तरफ जाना है वापस तरक्की की तरफ कभी भी नहीं आना यह भी हमारी इस गुफ्तगू का नतीजा है इस वक्त वो, वो कहते हैं ग्यारह अरब रुपया एक महीने का हुकूमत का खर्चा है ग्यारह अरब रुपया एक महीने महीने का हुकूमत का खर्चा जहां पर हुकूमत का खर्चा यह है वहां पर आप आवाम को क्या दे रहे हैं वाजह है उस पर भी बात करने की जरूरत नहीं है सबके सामने है अब जिस मुल्क के अंदर भूख इस शिद्दत तक पहुंच जाए ना वहां पर अगर लोग भूख की वजह से एक दूसरे को कत्ल करें तो आप उनसे क्या गिला करेंगे भाई पेट है ना वो जानवर है ना आपने उनकी तरबियत नहीं की उनको भूखा रखा जब आपने भूखा रखा तो वो वहशी बन जाएंगे दरिंदे बन जाएंगे पिछले दिनों फ्रूट के उसमें यहां पर दस रुपए का जो फ्रूट बिक रहा था उस पर तमाम लोगों ने हमला किया रोजेदार थे ना लेकिन हमला किया और वहां पर बिल्कुल भगदड़ ऐसे मची जैसे जंगल है हजरत अच्छा। मैं, मैं ए, ए, एक कॉल ले लूं फिर उसके बाद आपकी तरफ आ जाऊंगा शायद हमारे सवाल का ही कोई टाइम बच जाए सैयद कासिम शाह साहब हैं जी कराची से अस्सलाम वालेकुम शाह साहब उड़ जाए अब तो शहरी का वक्त भी खत्म हो रहा है चाहे अब उनसे क्या जबरदस्ती सवाल लेना ठीक है अगर वो सोए अगर आप सो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी <laughs> जी तो ये जो फलू के हवाले से हुआ और अभी जिस वाक्य का इन्होंने बयान जी हमारे मुफ्ती साहब ने ये कोई न पहला वाक आखिरी बिल्कुल बिल्कुल मसला असल में क्या है जब लोगों के अंदर भूख शिद्दत को पहुंच जाए तो एक दूसरे को लूटेंगे True. ये जो इस वक्त महंगाई का रेशो है गुजशत साल की इस वक्त तीन गुना बढ़ चुकी है महंगाई तीन दिल्कुल। गुना आप एक अच्छा, में, तेरह रुपए पेट्रोल और महंगा हो रहा है अच्छा बेरोजगारी में इजाफा हुआ है इसका मतलब परेशान हाल लोगों की तदाद में इजाफा होगा बिल्कुल अच्छा जब ये सूरत हाल होगी तो अब मुझे ये बताएं कि क्या आपके गली कूचू में स्नैचिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल क्या आपके हाथ में थैला हो दूसरा भूखा हो तो वो उस थैले की अंदर जो मौजूद चीज़ है उसको देखते हुए आपको मार के भागे तो आप उससे गिला करेंगे या निज़ाम से जब आपने एक बहशियाना और जानवरों का माहौल बना दिया है एक तरफ वो है जो एक लुकमा खा के बाकी सारा खाना गटर में फेंक देते हैं एक तरफ वो तबका है और दूसरी तरफ वो तबका है जिसको उस एक लुकमे के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहना मैं, सॉरी बात देनी मुझे कॉल लेनी है फिर मैं इस पे आपको एक एक बात बताऊंगा छोटी सी जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम असल वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई सैयद कासिम शाह बात कर रहा हूँ जी फरमाइए भाई सर अभी यहाँ पे मैं औलाद की तरबियत बात सुन रहा था तमाम मौलानाओं की और आपकी तो भी माशाला से दोस्तों की बहुत अच्छी है बट मेरे जहन में एक सवाल है कि अभी तक हमने मैंने जितनी बात सुनी ना उसमें दुनियावी तालीम का बड़ा जिक्र हो रहा था तो मैं थोड़ा सा दीनी असलात में फंसा हूँ कुछ चीज़ों में अच्छा में मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज है मेरे अच्छा। फादर जो है वो सुनी उससे ताल्लुक रखते हैं मकतबे फिक्र से और मेरी वालदा जो है वो फिकर जाफिया से ताल्लुक रखती है अब मसला यह है कि दोनों अपनी तरफ से अच्छी तरबियत कर रहे हैं अपनी औलाद की लेकिन मैं बीच में ऐसा सा फील करता हूँ कभी कभी ना मैं हुआ फील करता कि शुड आई गो दिस साइड और शुड आई गो दिस साइड तो इसमें मैं मतलब बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है अब ये भी तरबियत की मतलब अगर देखा जाए तो किस्म की तरबियत की है नहीं अब मेरे ये तो बहुत अच्छी चीज कासिम भाई ये पूरा शो है यार ये ये तो बड़ी मजे की चीज है क्योंकि ये आपके साथ जो मसला है ये आने वाले वक्त में मेरे बच्चों के साथ होगा <laughs> तो आपके बच्चे और मेरे, और मेरे सॉरी मैं हम एक स्टेज पे खड़े हैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में अगर आप जवाब दे पाए ना उनको मतलब माजी में जाके इस तारीख का शो देख के ये जवाब ले लें और मुझे अभी मिल जाए इसका जवाब मसला मसला ये कर? है कि अब्बा जो है वो ए... मतलब मेरा फैसल भाई इसको अभी ना छे इसको आप इफ्तार के मौजूद के तौर पर रखें और फुल टाइम ने साइंस हाँ, इसको इसकी हाँ, तो, ये एक सवाल का जवाब है ये एक सवाल का जवाब आपके पास टाइम कम है को समअप करते हैं ना जी बिल्कुल मैं आप जो बात कर रहे थे, थे ना उस बात में एक एक हां बिल्कुल दे देंगे अवतार में भाई मेरे कान में कह रहे हैं इसका जवाब देना है एक मैं जर्मनी में हमारे दो पाकिस्तानी भाई गए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं उन्होंने खाना मंगाया और खाना मंगाने के बाद जितना उन्होंने खाना था उन्होंने चार पांच चीजें मंगा ली जितना उन्होंने मंगाना था वो खाया मंगा जा, मंगाया ज़्यादा खाया कम और उसके बाद उन्होंने वेटर को बिल दिया और जाने लगे तो पता लगा पुलिस आ गई तो वो बड़े परेशान हुए कि भाई ये पुलिस हमें क्यों अरेस्ट कर रही है हमने क्या किया हम तो बिल दे रहे हैं उन्हें कहा बात ये नहीं है हमें यहाँ से शिकायत आई है कि आपने खाना ज़ाया किया so ये सिस्टम है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये सिस्टम है वहाँ पे बिल्कुल ऐसा आप देखें ज़रा कि खाना जाया करने ये सिस्टम कौन बनाएगा हाँ। वो बनाएंगे इस सिस्टम में वो लोग बनाएंगे कि जिनकी एक इफ्तारी आपको पता है जर्मनी में उमेरियन लॉ है आपको पता है ना जर्मनी में उमेरियन लॉ है हज़रत उमर का लॉ जो है वो है जर्मनी में जी मैं अर्ज कर रहा था तालीम चूंकि मौजू हमारा तालीम था ना इस वक्त आपके स्कूलों में दाखिले के लिए जो सूरत हाल है उसको भी एक मौजू के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल आप अपने मासूम बच्चों को आपके पास पैसा है आपको इख्तियार है किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें लेकिन अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए आपको पर मंथ कम अज कम भी पैंतीस चालीस हजार रुपए उस बिल्कुल इब्तदाई बच्चे को देने पड़ते हैं ये सूरत हाल है पैंतीस से चालीस हजार रुपये देने पड़ते हैं अच्छा अब मैं गुजश्ता हफ्ते मेरे इल्म में ये बात आई मेरी अपनी फैमिली के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छा है स्कूल है तो हमारी मेरी पोती है वो हिजाब पहन के गई जब हिजाब पहन के गई तो टीचर ने उसको अप्रीशिएट किया लेकिन बाकी तमाम बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया हाँ। वो घर आई मैंने कहा बेटा अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं तुम बताओ तुमने अच्छा काम किया था या बुरा उसने कहा मैंने अच्छा काम किया था मैंने कहा फिर उनके सामने डट जाओ बिल्कुल जब तुम डटोगी तो वो पसपाई इख्तियार करेंगे और उसका नतीजा हुआ फिर सामने आया ठीक अब मुझे फिर बेटे से कहा कि तुम जाओ वहां पर बात करो कि बच्चों को टीचर्स समझाएं यानी वो स्कूल आम कोई बहुत मारूफ और बड़ा स्कूल नहीं है लेकिन सिस्टम कोई आपका ऑक्सफोर्ड वाला है अच्छा वहां पर जब गए तो पता चला कि टीचर ने बताया कि इन बच्चों के बच्चे जो है किस क्लास के हैं ये पहली दूसरी क्लास बच्चों के बेग से नशा निकला आया तो वाले को बुलाया गया कि भाई ये क्या हुआ कहा आपको क्या है इससे वाले ने स्कूल के इंतजामिया को ललकारा कि भाई आपको क्या है ये हमारा बच्चा है जैसा चाहे करे जब आप इस तरह का माहौल पैसे की वजह से तालीमी इदारों में पावर करते हैं पावर पावर की वजह पैसा भी पावर है और असलाह भी पावर है और उसके नतीजे में जो बाकी बच्चे हैं जिनको उस तरह की सहूलत हासिल नहीं है वो जब मुतासर होते हैं और इससे सीखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वही जो आपका पावर पर जो तबका फायज है वो आपके बाकी साल माशरे को भी तबाह करने पर तुला हुआ है हजरत मैं देखे एक बात सही है बड़े मसले मसाइल हैं लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जो है ना वो जारी रखें आपने माशरे को एक इंसान देना है बस कोशिश जारी रखें सिस्टम से लड़ना है चीज़ों से लड़ना है बहुत लड़ना कुछ है, करना इसके है और कोई बिल्कुल हर चीज़ से लड़ना है लेकिन भाई आप मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते ना नहीं लेकिन वो लोग जाएंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है जी कब रिटायरमेंट जा रहे हैं जा रहे हैं लिहाजा आपने लड़ना है बिल्कुल तो लड़ तो हम आम, हैं। तो लड़ना है हम हम तो जाके कुछ भी नहीं कर सकते छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं अकबर अकबर अल्लाह الله أكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن شاء الله قلاب سيمولكا دو تي أفتار بيبنا خيرلك يا الله فيز باكستان زنداباد पूरा साल इंतजार था मुझे में तीस दिन छे टीम्स, बारह कंटेस्टेंट्स कैश का गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें शोर गूंजेगा हर गली नुक्कर और दुकान रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम सात बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें